हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सरकारी लोक पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चनों के बारे में। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे, राइट साइड में घंटी के निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फ़ायदा इसका ही होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं 17 सितंबर 2018 में जो 9 से 10:30 बजे वाली जो शिफ्ट थी, जो मॉर्निंग शिफ्ट थी, उसमें आई साइंस के क्वेश्चनों के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है वो चाल था, इसमें तो चार इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ओ ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट होता है? तो इसमें गर्भाशय करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गर्भाशय जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा तत्व रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो आयरन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोई बल 1 kg पिंड की गति को 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है, बल द्वारा किया गया कार्य, तो 24 जूल इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? तो रॉकेट लॉन्च करना, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसमें हो जाएगा भार, भार इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है, तो कौन सा कहलाता है वो? तो अभिकेंद्रीय बल इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच 7 से कम है? तो 7 से कम है, तो अमोनियम क्लोराइड इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग अमोनियम क्लोराइड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो एल्यूमिनियम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों के रूप में जाना जाता है? तो अधातु इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, तो ठीक है, यहाँ तक हो गया। निम्नलिखित में ठोस, द्रव तीनों रूप में कौन सा? अधातु इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू कोलिन काइमा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन रिलीज, यानी प्रोसेस इन विच O2 रिलीज इन टू एयर, तो फोटोसिंथेसिस करेक्ट इसमें हो जाता है। हॉट ब्लड बर्ड इज, तो हॉट ब्लड बर्ड इज, तो कबूतर इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पक्षी जिसका खून गर्म होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन थे उसके अकॉर्डिंग कबूतर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो 18वें इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जनरली द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज 1, 2, 3, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी का द्रव्यमान, तो पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10^24 kg। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो पोइसेस इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो ठोस इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 70 इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ होर्स अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 18 वोल्ट, तो सॉल्व करोगे तो 72 जूल इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? तो लंबाई पर भी निर्भर करता है, पदार्थ पर भी निर्भर करता है, दाब पर निर्भर नहीं करता, दाब इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड, तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, डाउन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो 10 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मछलियों को हृदय में कितने कक्ष हो? अब दोस्तों, 17 सितंबर 2018 में जो आफ्टरनून वाली शिफ्ट थी, 12:30 से 2 बजे वाली जो शिफ्ट थी, उसमें आज साइंस क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 2 कक्ष होते हैं, 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट,
किसी तत्व के समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 189 नेट्रॉन न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या ज्ञात करें, तो 109 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एथेन की विद्युत डॉट और क्रॉस संरचना, तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा, C2H4। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसकी संरचना है। नेक्स्ट, लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं होता, तो जो ऑप्शन है जैसे पानी का भी यूज होता है, कांच का प्रयोग होता है, प्लास्टिक का भी होता है, मिट्टी का प्रयोग नहीं होता, तो इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर या फाइल बनाने में आसानी होती है, तो अधातु और दृढ़ता करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा, तो 500 वॉट इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद होते हैं, तो 7 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम, तो ये HgNa इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट, जर्मेनियम आर्सेनिक सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में 4 कक्षाएं होती है। नेक्स्ट, किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो ये तो उप परमाणु कण है, ज़ीनॉन उप परमाणु कण नहीं है, तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है, नाभिकीय बल कहलाता है, तो नाभिकीय बल इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थ के अपवर्तनांक सूचकांक को सही आरोही क्रम में दर्शाता है, तो बाएं से दाएं, तो ये बर्फ केरोसिन बेंजीन सैंधा नमक, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जो जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, तो अमोनियम क्लोराइड इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है, तो स्क्लेरेनकाइमा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहां पर होता है, ध्रुवों पर इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है, तो क्या है मत्स्य वर्ग की विशेषता वो देख लेते हैं, गलफड़ों के द्वारा सांस लेना, हड्डी या उपास्थि का अंत कंकाल, सल्क का बहि कंकाल, तो ये है मत्स्य वर्ग की विशेषता। और कौन सी नहीं है विशेषता इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो स्यूडो कॉलम की उपस्थिति से इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा काम किया जाता है, तो भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना, ये करेक्ट इसमें दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट, रक्त में शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है, तो अग्नाशय इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉन्स्टेंट्स धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है, तो सी और निकल इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी परिपथ से 6 मिनट में 0.6 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा होगी, तो 216 इसमें करेक्ट, 216 सी इसमें करेक्ट आ जाएगा जब आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 20 किलोग्राम के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य, जी आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लोगे, सॉल्व करोगे, तो 400 जूल इसमें करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है, तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है, तो जड़त्व का नियम इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का 1/6 होता है, तो 1/6 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, और इसमें ऐसा भी पूछ सकता है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उस वस्तु के भार का तो 6 गुना होता है, तो उसमें ऐसा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए बेकिंग सोडा के घोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं दोस्तों 17 सितंबर 2018 में जो इवनिंग शिफ्ट थी, 4 से 5:30 बजे वाली जो शिफ्ट थी, उसमें आए साइंस के क्वेश्चनों के बारे में, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, तो 1/6 × इसके पृथ्वी का भार का, ठीक है, 1/6 हो जाता है। नेक्स्ट, 7 kg भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, भार को कितनी ऊंचाई तक उठाया जा सकता है, तो 14 मीटर तक उठाया जा सकता है, जब आप सॉल्व करोगे तो 14 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए परिपथ में का प्रवाह वामावर्त होता है, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह वामावर्त होता है। नेक्स्ट, अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए पेरेन्काइमा कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए किसी परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं, तो 4 इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं, तो 0.255 इसमें करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉनों द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है, नाभिकीय बल इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन के संयोजकता 7 हो जाएगी, 7। ठीक है, कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय ऑन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन वर्षण में होता है। नेक्स्ट, 120 किलोग्राम द्रव्यमान की बंदूक से 1.04 किलोग्राम द्रव्यमान की गोली दागी जाती है,
गोली की बंदूक के मुख से निकलने की गति 90 मीटर पर सेकंड है तो बंदूक की प्रतिघाती गति कितनी होगी? तो 3×10⁻²⁰ मीटर पर सेकंड हो जाएगी जब आप सॉल्व करो। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति यानी कि पावर कहलाती है। नेक्स्ट, बेकिंग पाउडर और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण है। ठीक है, बेकिंग पाउडर जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। तो सुबेरिन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पौधों में स्रावित होने वाले वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है तो कहलाता ऑक्सिन। इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी विस्फोट के कारण समुद्र तल पर बनने वाली लहरें अनुदैर्ध्य होती है। नेक्स्ट, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व डी ब्लॉक से है। ठीक है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो संवेग इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति होगी? तो 16 हर्ट्ज इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, समूह में निष्क्रिय गैसें होती है, तो समूह में 18 निष्क्रिय गैसें होती है। नेक्स्ट, पहाड़ से गिर रही किसी पिंड में होती है तो गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। नेक्स्ट, अब दोस्तों बात कर लेते हैं 18 सितंबर 2018 में जो 9 से 10:30 बजे वाली जो शिफ्ट थी उसमें आई साइंस के क्वेश्चनों के बारे में। निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है? तो तांबा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत बल में आमतौर पर क्या होता है? तो नाइट्रोजन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी? तो जी आप 10 मीटर पर सेकंड² लोगे सॉल्व करोगे तो 35 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों तनों और पत्तियों में अलग नहीं है? तो स्पाइरोगायरा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो जीविता का कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा ये तो सरल स्थायी ऊतक है और जाइलम सरल स्थायी ऊतक नहीं है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन को रखा गया है? तो 17 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दो प्रतिरोधक 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, सर्किट में विद्युत धारा होगी तो सॉल्व करोगे तो 0.2 एम्पियर इसमें करेक्ट आपका आ जाएगा। नेक्स्ट, कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष 90 डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट, एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट, कौन सा जानवर मुकुलन बंडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है? तो हाइड्रा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 होता है, 1/6 गुना होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? तो जिप्सम वॉशिंग सोडा कॉपर सल्फेट, तो इसमें इन यौगिकों में तो क्रिस्टलीकरण का पानी है और ये जो बेकिंग सोडा है इसमें उसका पानी नहीं है, क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हीट उत्पन्न होती है यानी कि वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो टेस्टोस्टेरोन करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? तो मोज़ली इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि दो असमान द्रव्यमान में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान होता है अधिक संवेग, तो भारी द्रव्यमान होता है तो अधिक संवेग इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, समय के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई गेंद का वेग होगा सकारात्मक ऊपर या पॉजिटिव ऊपर की तरफ होगा। नेक्स्ट, 120 वाट का एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है, लैंप द्वारा
एक दिन में यूज की गई ऊर्जा की यूनिट की गणना करें तो 0.96 यूनिट इसमें करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है तो CaOH का उल्टा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक 40 kg भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी? जी, आप 10 m/s² लोगे, सॉल्व करोगे तो 500 W इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है तो सिरका, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, श्रवणीय रेंज किन से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है तो इंफ्रासोनिक, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, लता घर पर 20 किलोग्राम पनीर बनाती है और इसे प्रत्येक सुबह बेचती है, 1 लीटर दूध से वह 200 ग्राम पनीर बनाती है, 1 लीटर दूध की लागत 40 रुपये है, वह रोजाना दूध खरीदने में कितना पैसा खर्च करती है तो जब सॉल्व करोगे तो 4000 इसमें आ जाएगा, 4000 रुपये। नेक्स्ट, किरण पानी से गिलास तक जाती है या झुकता है? किरण जो है, जो रेज जो होती है वो वाटर से गिलास तक जाती है या झुकता है, सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है। नेक्स्ट, अब दोस्तों बात कर लेते हैं 18 सितंबर 2018 में जो आफ्टरनून वाली शिफ्ट थी 12:32 वाली, तो उसमें आए साइंस के क्वेश्चन हम के डिस्कस कर लेते हैं। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकेंद्र बल को तेजी प्रदान करता है तो अभिकेंद्रीय बल इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है तो दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए, तो इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा तो 2-4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, चालक तार की PVC द्वारा कोटिंग करके रोका जाता है, शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है, शॉर्ट सर्किट इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 6 kg द्रव्यमान और 480 J स्थितिज ऊर्जा वाली एक वस्तु को ऊंचाई पर रखा गया है, जमीन से उस वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करें तो जी आप 10 m/s लोगे, सॉल्व करोगे 8 m इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग तो ब्यूट इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर ब्यूट, ठीक है। नेक्स्ट, तत्वों ABCDE जिनका परमाणु क्रमांक क्रमशः 2, 3, 7, 10 और 30 है में कौन सा तत्व समान आवर्त से संबंधित होता है तो BCD इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 cm है तो इसकी फोकस लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी, 3.1 cm इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है तो 32 होता है, 32 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, उचित विकल्प का चयन करें, 1 kWh कितने के इक्वल टू होता है, 36 लाख के बराबर होता है, यानी 3.6 × 10^6 जूल इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखाई देता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट, चीटी कैटरपिलर हैमस्टर और लोकस्ट में कौन सा समूह में से शामिल नहीं है तो हैमस्टर इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ने निर्जीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन में योगदान दिया तो ग्रेगर मेंडल इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं मांसपेशियां मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर तो ये फर्स्ट करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वस्तु स्थिर है, ठीक है जी, इस पर कौन सा बल कार्य कर रहा है तो भार इस पर कार्य कर रहा है। नेक्स्ट, के कारण स्क्लेरेंकाइमा कोशिकाएं की दीवारें मोटी होती है तो लिग्निन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 फोकस दूरियां वाले लेंस का उपयोग पीड़ित व्यक्ति द्वारा किया जाता है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, करेक्ट इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई जो इकोनॉमिक जो कॉमर्शियल यूनिट है उसकी ऊर्जा की एनर्जी की तो क्या है, किलोवाट घंटा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मिलियन आवर्त होते हैं तो MTM HM इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पौधों के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है बीज पत्र, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित है तो 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है जब यह भूमि पर छूती है तो इसमें होगी गतिज ऊर्जा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है, सिनाबार इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एनालिडा वर्ग से रिलेटेड नहीं है तो पहले तो बात कर लेते हैं एनालिडा वर्ग से कौन कौन से संबंधित है तो ये एनालिडा से संबंधित है, कैचुआ, नेरिस, जोक, और कौन सा रिलेटेड नहीं है तो एस्केरिस इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक सहसंयोजक अणु नहीं है
तो इसमें जो है अब बात कर लेते हैं सहसंयोजक अणु कौन कौन से है। तो इसमें ये हो गए सहसंयोजक अणु, इसमें 1 मिनट इसको कर लेते हैं इसमें, ठीक है। ये वाले जो है सहसंयोजक अणु है, और ये जो है ये सहसंयोजक अणु नहीं है, तो इसमें ठीक है, तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 240 वोल्टेज और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब के पावर, तो 144 वाट इसमें करेक्ट आ जाएगा, 144 वाट, ठीक है जी। जब आप सॉल्व करोगे तो 144 वाट इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, 18 सितंबर 2018 में जो इवनिंग शिफ्ट थी, 4 से 4:30 बजे वाली जो शिफ्ट थी, यानी सारी 4 से 5:30 बजे वाली जो शिफ्ट थी, तो उसमें आई साइंस के क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। इका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में धातु के रूप में नामांकित किया गया था, तो गैलियम इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है, तो हीलियम इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, काला अजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति के कारण अधोमुखी युग्मक विखंडन इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, एक जटिल स्थायी ऊतक है, तो जाइलम इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जाइलम। नेक्स्ट, त्वरण की विमा, तो एल की पावर 1 माइनस एम की पावर 0 टी की पावर -2 इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, 60 kg द्रव्यमान की वस्तु को 4 मीटर स्थानांतरित करने के लिए कितना बल लगाना होगा, तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर डिस्क्रिपेंसी की वजह से रेलवे ने इसको इग्नोर किया है, इसको क्वेश्चन या आंसर को, तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट, 3 आवर्त में मौजूद तत्वों की कक्षाएं है, तो KLM इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, रेगिस्तानी, और इसमें दोस्तों वो भी पूछ सकता है, ये तो कक्षाएं पूछ ली, उपकक्षाएं भी पूछ सकता है इसमें, तो जो उपकक्षा है वो SPD हो जाता, और 4 अगर उपकक्षा पूछता तो SPDF हो जाता, ठीक है जी। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तानी पौधों के बाहरी त्वचा पर मोम जैसी पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ है, तो क्यूटेन ये इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, स्थिति ऊर्जा किसके बराबर होती है, तो MgH, MM जो है इसमें मास हो जाता है, ठीक है द्रव्यमान, जी क्या होता है इसमें ग्रेविटेशनल हो जाता है, एच इसमें हाइट हो जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट, एक घर में 1 महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है, जूल में इस ऊर्जा की मात्रा क्या होगी, तो 5.4 × 10⁸ जूल इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप घर्षण, तो घर्षण इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो यह 6 कार्बन अणु कितने कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं, तो 3 कार्बन अणु इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में जो आउटर शेल है, तो इलेक्ट्रॉनिक संख्या पूर्ण होती है, तो इसकी संयोजकता 0 हो जाएगी, ठीक है 0 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो क्लोरीन, Cl इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार घटता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है, तो बनने वाले अक्षोभ का रंग कैसा होता है, तो सफ़ेद इसमें होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो C2H6 इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है, तो आभासी और बड़ा इसमें करेक्ट हो जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के 2 बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं, तो वस्तु पर कार्य होगा, तो सॉल्व करोगे तो 15 न्यूटन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 80 किलोग्राम की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति क्या होगी, तो सॉल्व करोगे तो 640 जूल पर सेकंड इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है, तो वो कितनी वो पहुंच सकेगी, तो जब सॉल्व करोगे तो 8 मीटर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु वक्रता की त्रिज्या वाले उत्तर दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, तो इसका आवर्धन कितना होगा, तो सॉल्व करोगे तो -0.3 इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है 0.3। नेक्स्ट, 3 बिलियन है एक्स वाई जेड के pH मान है, एक्स का 2 है, वाई का pH मान 11 है और जेड का pH मान 7 है, उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें,
तो जब आप व्यवस्थित करोगे तो एक्स जेड वाई इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है, तो जीन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्बन परमाणु के बारे में 12C6 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो इसमें क्या है, 6 न्यूट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब दोस्तों बात कर लेते हैं 19 सितंबर 2018 में जो 9 से 10:30 बजे वाली जो शिफ्ट थी उसमें आए साइंस के क्वेश्चनों के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे किसका निर्माण करती है, युग्मनज, युग्मनज इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है, तो संक्षारण इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बल और विस्थापन का गुणनफल यानी कि फोर्स इंटू डी, ठीक है जी, एफ इंटू डी या डी की जगह एक्स भी आप कह सकते हो, डी हो गया डिस्टेंस, ठीक है, एफ हो गया फोर्स और ये हो जाता है कितने किसके बराबर, तो वर्क कार्य एफ इंटू डी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, डब्लू, ठीक है जी। नेक्स्ट, तो वो कार्य इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, तो पारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो लेड, टंगस्टन, ब्रोमीन, तो ये तो उसमें द्रव अवस्था में मौजूद नहीं होती, पारा ही ऐसा होता है, पारा ही ऐसी धातु होती है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया, तो डेमोक्रेटस इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द्रव्यमान 400 केजी की बंदूक के संवेग की गणना करें जिसका प्रतिघात का वेग 0.25 मीटर पर सेकंड होता है, तो इसमें डिस्क्रिपेंसी की वजह से रेलवे ने इसको इग्नोर किया है, आप सॉल्व इसको कर सकते हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका, तो हाइड्रोजन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है, तो सरल, अब बात कर लेते हैं सरल स्थायी ऊतक कौन कौन से हैं, कोलेनकाइमा ये सरल स्थायी ऊतक है, शीर्ष द्विबीजोदक ये सरल स्थायी ऊतक है, केबियम ये सरल स्थायी ऊतक है और जाइलम जो है ये सरल स्थायी ऊतक नहीं है, तो इसमें दोस्तों करेक्ट क्या हो जाएगा, तो जाइलम जो है ये सरल स्थायी ऊतक नहीं है। नेक्स्ट, एक 10 kg की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिमान है, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो सॉल्व करोगे आप तो 125 जूल इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, निर्मित होने वाली छवि क्या होगी, तो वास्तविक और उल्टी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक 1 kg की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, जी आप 10 मीटर पर सेकंड लोगे सॉल्व करोगे तो 300 जूल आपका इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, शक्ति को किस रूप में व्यवस्थित किया जाता है, तो कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, तो 33-80 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है जी, ये इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो 6.022 × 10³³ इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से आक्सीकृत जलता नहीं होता है, तो मिश्र धातु इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑक्टेट्स का न्यूलैंड्स सिद्धांत केवल तक लागू होता है, तो कैल्शियम तक लागू होता है। नेक्स्ट, विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, तो विसरण के बारे में क्या क्या पॉइंट सही है, तो विसरण में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, विसरण में जो कण होते हैं वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता यानी हाई से लो की ओर गति करते हैं यानी कि की ओर गमन करते हैं, तो ये भी विसरण के बारे में सही पॉइंट है। गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है, तो जो गैसों के विसरण की दर जो होती है ठोस और द्रव की तुलना में
गैसों में अधिक होते हैं जो विसरण होता है, ठीक है। तो ठोस और द्रव के कंपेयर में गैसों में ज़्यादा होता है विसरण। उसके बाद विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में है। तो अगर जो पदार्थ के कण हैं वो लगातार गति अवस्था में है, गति कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं, घूम रही है, गति हो रही है उनमें, तो तभी विसरण संभव है। तो ठीक है, ये तीनों पॉइंट करेक्ट है विसरण के अनुसार, ठीक है जी। और इसमें करेक्ट कौन सा नहीं है, तो करेक्ट ये वाला नहीं है, ठीक है, ये वाला इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो विसरण के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो जो फर्स्ट पॉइंट है ये इसमें करेक्ट हो जाता है, ठीक है जी। गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती, ठीक है जी, ये वाला इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सा आवश्यक है, तो सूर्य का प्रकाश ये भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, और कौन सा आवश्यक नहीं है, तो ऑक्सीजन इसमें आवश्यक नहीं है, तो ऑक्सीजन इसमें आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट, मुक्त रूप से गिरना केवल किसमें संभव है, तो निर्वात में संभव है, निर्वात इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा होती है, तो ना ये जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो किसमें होती है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है, तो ये जो यांत्रिक ऊर्जा होती है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा होती है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, ME इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का KE + PE, ठीक है, या इस तरीके से कह सकते हैं टोटल एनर्जी ET इक्वल्स टू EK + EP इक्वल्स टू, तो ये इसका जो काइनेटिक एनर्जी इसका फॉर्मूला होता है ½mv², ठीक है, प्लस ये इसका पोटेंशियल एनर्जी का होता है MgH, ठीक है जी, ये होता है इसमें, ठीक है, ये हो गया। और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, EM = EK + EP, और जो EK है जो काइनेटिक एनर्जी है उसका आपको फॉर्मूला याद रखना है ½mv², और पोटेंशियल एनर्जी का होता है MgH, ठीक है जी। नेक्स्ट, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है, यह 2 सेकंड में 5 m/s की गति प्राप्त कर लेती है, इसका त्वरण क्या होगा, तो 2.5 m/s² इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, विटकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा विटकर द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटीन संश्लेषण में 4 इवेंट से एक का निर्माण होता है, तो mRNA इसमें करेक्ट हो जाएगा, mRNA प्रति। नेक्स्ट, जिन पदार्थ की गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, तो ग्रांड ऑल्फैक्टरी सूचक इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 19 सितंबर 2018 में जो 12:30 to 2 वाली जो आफ्टरनून शिफ्ट थी उसमें साइंस क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का एक असमान होता है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, एक ग्रह मान ले जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g है तो ग्रह पर इसका मान क्या होगा, सॉल्व करोगे तो 3g इसमें करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण की गति बढ़ जाती है और वह अभिलंब से दूर झुक जाएगी। नेक्स्ट ये हो गया, का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है, तो एथेनॉल ऑप्शन के अकॉर्डिंग एथेनॉल इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, जब pH मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है कि OH आयन की सांद्रता में वृद्धि। नेक्स्ट, 2 वस्तुएं A और B किसी वेग से गति कर रही है,
वस्तु ए का द्रव्यमान बी से दुगना अधिक है, वस्तु ए और बी की गतिज ऊर्जा का अनुपात के ए अनुपात के बी कितना होगा, तो 2 इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र की ओर फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, छवि का निर्माण कहाँ पर होगा, वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर, करेक्ट इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, कणों की गतिज ऊर्जा किसमें अधिकतम होती है, तो प्लाज्मा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में सबसे कम सेल है, तो तीसरे आवर्त, करेक्ट इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, गणमाला गोइट्रे की कमी किसके कमी के कारण होता है, आयोडीन, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, तीन समान प्रतिरोध जिनका मान 6 ओम है एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े है, इसका संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो 2 ओम इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले एक स्रोत में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, स्रोत द्वारा प्रतिरोध की को आपूर्ति की गई पावर कितनी होगी, तो 3 वाट इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दांत 6 तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है, तो आधुनिक आवर्त सारणी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा ऊतक पौधे के प्रकाश संश्लेषण हिस्से में सामग्री के परिवहन में मदद करता है, तो फ्लोएम इसमें करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक कार्यविधि का सुझाव दिया, तो चार्ल्स डार्विन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है, तो गतिज ऊर्जा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सोल्डर किस किस का मिश्र धातु है सोल्डर, तो पीबी और एसएन। अब ये पीबी क्या है, पीबी हो जाता है दोस्तों लेड, और एसएन क्या है, एसएन है टिन, तो लेड और टिन का कॉम्बिनेशन होता है ये जो सोल्डर जो होता है, ठीक है जी, लेड और टिन। नेक्स्ट, एक पौधे के बीज में आगामी पौधा किसके रूप में होता है, तो भ्रूण इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर की दिशा में गति करता है, वस्तु पर लागू नेट बल क्या होगा, नेट फोर्स जो होगा 0, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है, तो गतिज ऊर्जा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, 19 सितंबर 2018 में जो इवनिंग शिफ्ट थी 4 से 5:30 बजे वाली, उसमें आई साइंस के क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। परमाणु संलयन प्रतिक्रिया स्वचालित रूप से होती है, तो सूर्य में इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएँ वंशागत हो सकती है। नेक्स्ट, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है। अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। N क्या हो गया इसमें, तो N हो गया इसमें नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन H हो गया इसमें हाइड्रोजन। अब इसमें तो इसमें जो नाइट्रोजन की संयोजकता होती है वो 3 होता है। इसमें स्ट्रक्चर इसका जो फॉर्मूला है अमोनिया का, इसका स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है, तो स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाता है इसका H और H, ठीक है जी, तो ठीक है इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर भी आप ये ध्यान रख लेना इसको, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा, तो ये मैंने आपको बताई दी थी, तो यांत्रिक ऊर्जा जो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है, तो सिल्वर धातु इसमें करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, निःश्वसन किसके द्वारा होता है, तो फेफड़ों की अपस्फीति, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आयरन की वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है, तो Fe2O3 आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधुनिक तरंगों का औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं है, किसी पौधे के शरीर से कीटनाशकों को प्रासरित तरीके से हटाना, ये करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है,
तो अभी दोस्तों आपको कक्षा और उपकक्षा का भी ध्यान रखना है कि कक्षा कितनी होती है, उपकक्षा कितनी होती है। दोस्तों जो कक्षाएं होती है, कक्षाएं चार होती है और उपकक्षा भी चार होती है। तो जो ऑर्बिट होती है, जो कक्षा होती है, तो वो चार तरीके की जो है, एस ऑर्बिट, पी ऑर्बिट, डी ऑर्बिट और एफ, यानी एस पी डी एफ, ये कक्षा होगी। और उपकक्षा कौन कौन सी है मैं चलो लिख भी देता हूँ इसमें। जो ऑर्बिट होती है, ऑर्बिट एस पी डी एफ, और जो उपकक्षा होती है, उपकक्षा हो जाता है के एल एम एन, ठीक है, ये हो गई उपकक्षा ही। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है, इसमें एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो आठ इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, तो धनात्मक इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑक्साइड अम्लों के साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं, तो उभयधर्मी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम के परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी, तो प्लस टू इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है, तो उभयचर वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है, तो उभयचर इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जब तत्वों को परमाणु वारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो पहले तत्व के गुणधर्म आठवें तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं, संगीत के नोट्स की तरह, इस नियम को जाना जाता है, तो न्यूलैंड के अष्टक नियम के रूप में जाना जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में कोई कार्य नहीं होता, तो कार्य किस किस में होता है पहले हम वो देख लेते हैं, इनमें कार्य किस किस में हो रहा है। तो सचिन 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है, चल रहा है वो, तो मतलब कार्य हो रहा है, तो चल रहा है तो जो कार्य हो ही रहा है। नेक्स्ट, एक कूली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है, तो जब वो वजन ले जा रहा है तो तब भी कार्य हो रहा है। नेक्स्ट, अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है, तो क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है वो, यानी कि इसमें भी कार्य हो जाता है। कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, अब इसमें ये आप देख सकते हो, ठीक है, एक मिनट इसको मैं वो कर लेता हूँ। इसमें ये आप देख सकते हो कि जो कपिल है उसने 10 किलोग्राम का भार लेकर सिर्फ खड़ा है, वो चल नहीं रहा, सिर्फ लेकर खड़ा है उसको, तो इसमें कोई भी कार्य नहीं हो रहा, कार्य क्या हो जाता है इसमें, जीरो, ठीक है जी। नेक्स्ट, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है, तो जो संवेग होता है, जो संवेग मोमेंटम, जो मोमेंटम की एसआई यूनिट है, तो एसआई पद्धति में उसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, त्वरण, तो ठीक है, ये इसका भी ध्यान रखना है, कभी कभी इसमें उसमें भी आ जाता है, ठीक है। तो संवेग क्या होता है, मोमेंटम, मोमेंटम, ठीक है जी। नेक्स्ट, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग घटेगा, त्वरण क्या होता है, त्वरण इंग्लिश में होता है एक्सेलरेशन, ठीक है जी, तो त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग घटता है। नेक्स्ट, मनुष्य में निषेचित अंडा के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है, तो गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। नेक्स्ट, यदि 10 ओम, 8 ओम और 7 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा, तो 25 ओम इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसमें एक मिनट इसमें नोट डाउन कर लेते हैं, तो R इक्वल्स टू क्या होता है, RT इसका फॉर्मूला हो जाता है, RT इक्वल्स यानी टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी R हैं उनका जोड़ हो जाएगा इसमें, तो 10 ओम प्लस 8 ओम प्लस 7 ओम, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10, 8, 18, 18, 7, 25 ओम इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से नेक्स्ट, जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसी भाग को क्या कहते हैं, तो रूट एयर इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 350 न्यूटन का एक बल 500 किलोग्राम के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है, इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा, तो चलो मैं आपको सॉल्व करके इसको दिखा देता हूँ किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले तो आपको ध्यान रखना है इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल्स टू होता है m इंटू ए, एफ हो गया इसमें फोर्स, m मास, x a हो गया एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, हिंदी में हो जाता है बल बराबर
द्रव्यमान इनटू त्वरण, ठीक है जी। और अब हमसे पूछ रहा है इसमें त्वरण, त्वरण क्या हो जाता है, त्वरण हो जाता है बल बटे द्रव्यमान। उसके बाद बल कितना है इसमें, बल है 350 और बटे 500 क्या हो गया इसमें द्रव्यमान। तो ठीक है, इस तरीके से अपॉन 10 तो इक्वल्स टू 0.7 इसमें आ गया, 0.7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। SI की SI पद्धति में त्वरण की इकाई क्या है, तो मीटर पर सेकंड इसको इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अम्ल पानी में घुलने पर एच आयन प्रदान करते हैं, तो एसिटिक अम्ल इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब दोस्तों बात कर लेते हैं 20 सितंबर 2018 में जो मॉर्निंग शिफ्ट थी, 9 से 10:30 बजे वाली जो शिफ्ट थी, उसमें आए साइंस के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, चलो मैं सॉल्व करके आपको दिखाई देता हूँ। जैसे 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता था, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य है, तो जी आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लोगे। तो इसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसमें जो फॉर्मूला हो जाता है, फॉर्मूला इसमें हो जाता है एफ इक्वल्स टू एम जी एच। ठीक है जी, तो ठीक है, इसमें पूछा गया है कार्य, तो एक मिनट इसको हम कर लेते हैं। तो W बराबर क्या होता है, वर्क बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया अभी, F इंटू डी, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस हो गया मतलब जो भी ये चली गई दूरी है। अब वर्क इसमें पूछा गया है, F इक्वल्स टू क्या आपको बताया था, F बराबर बताया था M इंटू ए भी होता है और M इंटू जी भी होता है। ठीक है, एम जी और डी, डिस्टेंस एच। ठीक है, इस केस में डिस्टेंस हो गई एच। तो सॉल्व करोगे आप, तो m की जगह रखिएगा, m बराबर क्या रखिएगा, 1 kg। ठीक है, 1 इंटू जी क्या रखिएगा, जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, 9.8, और h कितना दिया है, h 10 दिया हुआ है। तो सॉल्व करोगे तो ये -98 जूल इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक को मिलाकर 1 विलयन तैयार किया जाता है, द्रव्यमान सांद्रता के संदर्भ में द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करें। सॉल्व करोगे तो 7.96% इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, सही कौन कौन से कथन है वो देख लेते हैं। में पृष्ठीय रज्जू की कार्डेटा, सभी रज्जू की कार्डेटा में पृष्ठीय तंत्रिका नाल होती है। ठीक है, करेक्ट है, सभी रज्जू की कॉर्डेटा कोलोमेट होती है, ये भी करेक्ट है, सभी रज्जू की कॉर्डेटा में मेरुदंड होता है, तो ये करेक्ट है। अब इनकरेक्ट कौन सा है, तो डिप्लोब्लास्टिक, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, समस्थानिक, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, लिटमस विलियन से निष्कर्षित किया जाता है, तो लाइकेन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मिश्र धातु में टिन होता है, सोल्डर इसमें करेक्ट हो जाएगा, सोल्डर मिश्र धातु में टिन होता है। अभी मैंने आपको बताया, पीछे ही बताया था, मिश्र धातु किसके, यानी कि जो वो होता है सोल्डर, किस किस का मिश्रण होता है, टिन, यानी पीबी प्लस एसएन, पीबी लेड और टिन का। ठीक है, नेक्स्ट, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की गति 346 मीटर पर सेकेंड, इस ये भी दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो इस तरीके का भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्व स्थिरांक जी कोई एक की एक इकाई है, तो एन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर के जी स्क्वायर करेक्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, पौधों में फ्लोएम के परिवहन के लिए उत्तरदायी, तो भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है, और जल के लिए क्या होता है, जल के गमन के लिए उत्तरदायी क्या होता है, जाइलम इसमें हो जाता है। नेक्स्ट, 2 एम्पियर विद्युत धारा को 5 ओम के प्रतिरोध में रखा जाता है, प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा ज्ञात करें। अब दोस्तों जो धारा होती है, तो धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय। ठीक है, आवेश बटे समय, तो मतलब क्या हुआ, I इक्वल्स टू Q बटे टी। ठीक है, Q बटे टी, ठीक है, क्यू बटे टी होता है। तो इसमें जो टी है, टी क्या है इसमें, आई क्या है,
आई इसने दिया हुआ है, आई दिया हुआ है इसने टू ए, ठीक है, टू ए, टू तो इसमें आई हो गया, और वो कितना दिया हुआ है, टाइम, टाइम इसने दिया हुआ है एक मिनट, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं, तो बराबर क्यू, ठीक है, इसने इस क्यू पूछा हुआ है, तो 120 सी इसमें आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन में परमाणु, हाइड्रोकार्बन में पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित से क्या प्राप्त होता है, तो CO2 प्लस H2O इसमें करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है, लैंगिक इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है, तो वारहीनता इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि कार्य धनात्मक हो तो, धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है, तो धनात्मक हो रहा है तो जिस पर कार्य हो रहा है तो उसकी जो एनर्जी है उसमें वृद्धि होगी। नेक्स्ट, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, तो मादा युग्मक इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक कार 2000 जूल ऊर्जा का उपयोग करती है और इसका उत्पादन 500 जूल है तो कार की दक्षता है, तो 25% इसमें, यानी कि 25% जब सॉल्व करोगे 25% इसमें आ जाएगा। मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ, तो इसमें इस तरीके से आ जाएगा, एक मिनट में यहाँ से कर लेता हूँ। तो इसमें आउटपुट, आउटपुट कितना है इसमें, आउटपुट है इसमें 500 जूल, ठीक है, इसका उत्पादन, उत्पादन मतलब आउटपुट, और इनपुट एनर्जी कितनी गई है, 200 जूल इनपुट गया है, तो 500 बटे 2000 और इनटू, यानी कि आउटपुट बटे इनपुट इनटू 100, ठीक है जी, इनटू 100, तो ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, और 25% इसमें आ गया इस तरीके से। नेक्स्ट, स्क्लेरन काइमा में कोशिका भित्ति के कारण मोटी होती, किसके कारण मोटी होती, लिग्निन, इसमें करेक्ट हो जाएगा। कौन सा अम्ल पेट में उत्पन्न नहीं होता, तो उसमें आप देख लीजिएगा पेट में कौन कौन से अम्ल उत्पन्न होते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो होता है तो वो MgH इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत के ताप के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक केतली, तो ये तो विद्युत के ताप के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर आधारित है और इलेक्ट्रिक घंटी उस पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट, मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को क्या कहा जाता है, तो आवर्त इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो संपीड़न इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, तो कौन कौन से तत्व है, हीलियम, कॉपर, ऑक्सीजन, तो ये तत्व हो गए, तो पानी इसमें तत्व नहीं है, तो इसमें ये हो जाएगा। नेक्स्ट, 20 सितंबर 2018 में जो आफ्टरनून शिफ्ट थी 12:30 to 2 वाली, उसमें आई साइंस के क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता, तापीय इसमें करेक्ट हो जाएगा। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता बल्कि वह तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। नेक्स्ट, प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता, तो क्या नहीं होता, तो बल इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, शाकाहारियों को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, तो सेलुलोज इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई है, तो हर्ट्ज इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी, इकाई हर्ट्ज है। नेक्स्ट, हमारे कानों में उपास्थियों की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है, ठीक है, हमारे कानों में उपास्थियों की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार संयोजी ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट, किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो वक्रता केंद्र पर इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो 20 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है, तो कैल्शियम चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व। दोस्तों एक बार आप जो वो है पीरियडिक टेबल इसको अच्छे से देख लीजिए, उससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है, तो किसी व्यक्ति द्वारा बेकिंग सोडा घोल लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है। नेक्स्ट,
हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से किस समूह द्वारा अलग होता है, तो मेथिलीन इसमें करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से मेथिलीन समूह द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट, को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के अणु द्रव्यमानों में कितने इकाई का अंतर होता है, तो 14 इसमें आ जाएगा, 14, ठीक है। नेक्स्ट, द्रव्यमान 10 केजी का एक ब्लॉक समान रूप से अपनी प्रारंभिक अवस्था से 20 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की गति तक बढ़ता है से 20 सेकंड के अंतराल में विकसित औसत ऊर्जा, ठीक है जी। इसमें आप फॉर्मूला लगाओगे पी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी और डब्ल्यू इक्वल्स टू हो जाएगा एफ इंटू डी, एफ को एफ का हो जाएगा एम, तो इसमें आप एफ बराबर डब्ल्यू बाई टी रहने दीजिएगा। इसमें आप लगाइएगा डब्ल्यू इक्वल्स टू, ठीक है, इसी को मैं ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ, डब्ल्यू इक्वल्स टू के एफ माइनस के आई, ठीक है, फाइनल फाइनल और माइनस इनिशियल, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस हाफ एम यू स्क्वेयर, ठीक है। ये वी हो गया ये फाइनल वेव और यू हो गया इनिशियल वेव। उसके बाद इसमें आप वैल्यू रखिएगा, तो हाफ इंटू एम टेन इंटू टू स्क्वेयर माइनस हाफ इंटू टेन, ठीक है, एम जो है 10 हो गया, इंटू यू स्क्वेयर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 थी, तो ये तो सारा 0 ही हो जाएगा। और इसमें क्या बचेगा, इसमें आ जाएगा 2 से 10 को काटोगे तो 5 इंटू 4, तो इसमें आ गया 20 जूल इसमें वर्क आ गया, ठीक है जी। अब इसने पूछा है एवरेज पावर, एवरेज पावर क्या होगा, ठीक है, अब वो फॉर्मूला लग जाएगा, एवरेज पावर इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी, ठीक है जी। तो डब्ल्यू कितना है, डब्ल्यू आ गया है हमारा 20 जूल, यहाँ से आ गया था 20 बटे टी, टी 20 हो गया, तो आ गया हमारा कितना 1 वॉट, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। मैं फटाफट कवर कर देता हूँ बाकी के क्वेश्चन। यदि धुरी को 3 सेंटीमीटर बाई और स्थानांतरित कर दिया जाए, नहीं सिस्टम में समाज त्वरण कितना होगा, तो इसमें ये डिस्क्रिपेंसी की वजह से रेलवे ने इसको नेगलेक्ट किया, इस क्वेश्चन को। समरूप अंग है लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल का फॉल, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, तो जड़त्व इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 220 वोल्ट वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जुड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना करें, तो 5 एम्पीयर इसमें करेक्ट हो जाएगी जब आप सॉल्व करोगे तो, ठीक है। फटाफट मैं कर देता हूँ, किसी दिन इसमें डिटेल में इनको एनालिसिस करेंगे, डिटेल में इनको सॉल्व कराऊंगा, तो फटाफट इसको मैं पहले कंप्लीट कर देता हूँ। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है, तो किलोवाट टावर इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, डोवे राइनर उन समय ज्ञात तत्वों से केवल 3 त्रिकों को ही पहचान सके, वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है, तो पपीता इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 450 न्यूटन भार वाले लड़के का द्रव्यमान क्या होगा, तो 45.9 केजी इसमें आ जाएगा जब आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जाइलम का एक प्रकार नहीं है, तो जाइलम का कौन कौन सा प्रकार है, तो ट्रेकिड, जाइलम फाइबर्स, नलिकाए, तो ये उसका प्रकार हो गया, सिव ट्यूब इसमें अलग हो जाएगा, ठीक है, ये जाइलम का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट, 20 ऑक्सीजन के 2 अणु परमाणुओं निरूपित करता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होते हैं, तो कार्बन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब दोस्तों बात कर लेते हैं 20 सितंबर 2018 में जो इवनिंग शिफ्ट थी उसमें साइंस के क्वेश्चनों के बारे में। यदि पूर्व की ओर प्रक्षेपित अल्फा कण को चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित कर दिया जाता है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो इसमें अधोमुखी हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो Al2O3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलते, द्रव्यमान इसमें यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का नियत
है और स्थान बदलने पर नहीं बदलते, द्रव्यमान इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? अब दोस्तों यौगिक इनमें से कौन कौन से है, नाइट्रोजन पेराक्साइड ये यौगिक हो गया, पानी यौगिक हो गया, अमोनिया का यौगिक हो गया और क्लोरीन इसमें यौगिक नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो इसमें जो कोशिका विभाजन में कौन सा विभिजोतक ऊतक इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जब मेंडलीव ने अपना काम स्टार्ट किया तब कितने तत्व ज्ञात थे? तो 63 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, उस यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र Al2SO4 का उद्देश्य द्वारा प्रयुक्त व्यक्त किया जाता है? तो एल्यूमिनियम सल्फेट इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 12 ओम के एक प्रतिरोध में 1 एम्पियर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी? तो 60 सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फूल के नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है? तो पुंकेसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 पिकोमीटर कितने के बराबर होता है? तो 10^-12 मीटर इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का एंगल कितना होगा? 180 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? तो 3.6 × 10^6 जूल इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 36 लाख। ठीक है, 36 लाख जूल या 3.6 × 10^6 ठीक है जूल। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में किन किस का मिश्रण था? H2CO2 NH3 और CH4, यानी कि हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया और मीथेन हो गया। नेक्स्ट, एक 800 किलोग्राम की कार 90 किलोमीटर पर घंटे से चल रही है, ब्रेक लगने पर 5 सेकंड बाद यह रुकती है, ब्रेक द्वारा बल कितना होगा? तो सॉल्व करोगे तो 4000 न्यूटन इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रोपेनोन में कार्यात्मक समूह, कीटोन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से के नियम कणों के अच्छे सिद्ध नहीं होते, तो अच्छे कौन कौन से सिद्ध होते? विश्रांति पर, धीमे चलने पर, उच्च वेग के साथ चलने पर, तो ये तो अच्छे हैं। और कौन सा अच्छा नहीं है इसमें? प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर, ये इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, अलग अलग पृथ्वी ध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, तो 17.2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक प्रतिरोधक की लंबाई L उसके अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल A और प्रतिरोध R है, एक अन्य प्रतिरोधक जो उसी पदार्थ से बना है लंबाई L/2 है, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल 2A है, उसका प्रतिरोध कितना होगा? R/4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मरुस्थलीय पौधे में उपचर्म एपिडर्मिस पर एक मोटी कोमल बाहरी परत होती है जिसे कहते हैं इसमें क्यूटीन, इसमें CUTIN इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, ठीक है, मैं इसमें लिख भी देता हूँ CUTIN ठीक है। नेक्स्ट, एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचांक 1.5 है में प्रकाश की गति तो 2 × 10^8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट, पौधों द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं, वाष्पोत्सर्जन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, समीकरण 2Cu + O2 2CO का एक उदाहरण है, दो संयोजन अभिक्रिया इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो 6 × 10^24 kg इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है, बल द्वारा किया गया कार्य होगा? तो 20 जूल इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? तो आयरन आयन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब दोस्तों 22 सितंबर 2018 में जो 9 से 10:30 वाली जो शिफ्ट थी उसमें आई साइंस के क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं, तो अम्लीय ऑक्साइड इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में। नेक्स्ट, एक ट्रक किनारे से फिसलकर 0.8 सेकंड में जमीन पर गिर जाता है, किनारा जमीन से कितना ऊंचा होगा? तो 3.8 मीटर इसमें हो जाएगा जब आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिसे स्नायु कहा जाता है। नेक्स्ट, 10 ओम के प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इस प्रतिरोध में से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी? तो सॉल्व करोगे 30 इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, परमाणु संख्या 57 वाले तत्व संबंधित है डी ब्लॉक से, इथेनॉल को इथेन में प्रवाहित करने के लिए डिहाइड्रेट एजेंट के रूप में का किसका प्रयोग किया जाता है? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट,
ऑडोमीटर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? दूरी, डिस्टेंस मापने में किया जाता है। नेक्स्ट, आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3 हो जाएगा। नेक्स्ट, 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व है? तो हेलोजन्स, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा बंदूक की तुलना में अधिक होती है? नेक्स्ट, प्रकृति में अकेले कभी नहीं होते, तो बल, इसमें करेक्ट हो जाएगा। और जो अकेले होते प्रकृति में वो कौन कौन से है? तो ये इसमें हो जाएगा, ठीक है, दाब, संवेग, वेग, और ये प्रकृति में अकेले नहीं होते। नेक्स्ट, घर्षण बल कार्य करता है बल की दिशा के विपरीत। नेक्स्ट, किसी वस्तु के मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसरी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है, तो अत्यधिक आवर्धित, ठीक है, अत्यधिक आवर्धित, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाले ऊतक, तो प्लेसेंटा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली वापस की जाती है कहलाती है क्लोरसार अभिक्रिया। नेक्स्ट, यदि एक आयरन जिस पर 1000 वाट अंकित है को प्रतिदिन 3 घंटे चलाया जाता है तो उसके द्वारा 30 दिन में उपभुक्त कुल ऊर्जा किलोवाट घंटे में होगी, तो सॉल्व करोगे तो 90,000 इसमें आ जाएगा, 90K। नेक्स्ट, विलयन ए का pH मान 6 है, विलयन बी का pH मान 8 है, विलयन सी का pH मान 2 है, किस विलयन में हाइड्रोजन के आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी? तो सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है, हाइड्रा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विटकर के वर्गीकरण के अनुसार समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता, तो मुनेरा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, उन तत्वों को नामित करें जिसके सबसे भारी सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है, तो पेप्सिन एंजाइम जो है उसकी क्रिया को आसान कर देता है। नेक्स्ट, एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो उसकी परमाणु संख्या क्या होगी? तो 109, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से विषम का चयन करें, तो SiPgE और SaaS, तो इसमें विषम क्या हो जाएगा? पी, AsGeSi, एक उसके और पी इसमें विषम है। नेक्स्ट दोस्तों, आफ्टरनून वाली शिफ्ट थी 22 सितंबर 2018 में, उसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन का एक कारण इसका छोटा आकार है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद होते हैं? तो 32 मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, मेंडलीव के आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? तो समूह कहा जाता है। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 kg इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 m/s स्क्वायर, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज, तो 8 न्यूटन हो जाएगा। तो ये उसी से हो जाएगा, F=ma आप रखिएगा, तो F=ma, तो मतलब जो 4 × 2, तो सीधा 8 न्यूटन ही आ गया। नेक्स्ट, ठीक है, इस तरीके से मैं आपको चलो बता देता हूँ, F=2 क्या होता है? ma होता है, ठीक है, m कितना है इसमें? 2 है, और a कितना है इसमें? 4 हो गया, तो 8 हो गया, ठीक है, 8 इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन द अर्थ, तो एल्यूमिनियम, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक संपीड़ित स्प्रिंग में स्थित ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, निर्मित होने वाली छवि होगी आभासी और छोटी, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, तो मेंडलीव के आवर्त नियम, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 5.6 kWh कितने के इक्वल होता है, वो आप देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट, 80 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 m/s वेग के साथ गतिमान वस्तु, उसमें उत्पन्न संवेग कितना होगा? सॉल्व करोगे तो 4.8 के यानी कि 4800 kg/s आ जाएगा। नेक्स्ट, 2 बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, कौन सा बल्ब का प्रतिरोध उच्च है? डिम बल्ब, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो पैरेन्काइमा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? द्विखंडन द्वारा होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? 2Mg+O2 2MgO, ये संतुलित है। नेक्स्ट, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 m/s, आफ्टर 3 सेकंड द मैग्नेटेड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट इज g=10 m/s स्क्वायर, लोगे सॉल्व करोगे तो 15 मीटर इसमें आ जाएगा, ठीक है, 15 मीटर।
नेक्स्ट द वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ कार ऑफ 800 किलोग्राम फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड इज 30 केजी, इसमें आ जाएगा जब आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट, ठोस को पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता। नेक्स्ट, अधिकांश सरीसृपों में एक तीन कक्षीय हृदय होता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका कितनी लंबी होती है, तो 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। नेक्स्ट, लिटमस विलियन से निष्कासित किया जाता है लाइकिन को लिटमस विलियन से निष्कासित किया जाता है। नेक्स्ट, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग 2 मिनट तक की देरी हो सकती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक उर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है, तो कौन कौन से उर्ध्वपातक पदार्थ है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये उर्ध्वपातक पदार्थ है, ठीक है जी। कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, और कौन सा उर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है, तो इसमें जो है ये उर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है, तो सोडियम सल्फेट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो प्रजनन प्रणाली का कौन कौन से हिस्सा है इसमें से, ये हिस्सा हो गया अंडकोष, वर्षण, शुक्रवाहिका, ये तो हिस्सा हो गए, और जो अंडाशय ओवरी है ये हिस्सा उसका नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम है, तो एलुमिनियम, निक्रोम, निकल के तो ज़्यादा है, इसमें जो सिल्वर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिल्वर ठीक हो जाएगा, तो सिल्वर की ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रतिरोधकता जो है कम है। नेक्स्ट, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है, तो किसी वस्तु के गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के आनुपातिक होता है, तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 22 सितंबर 2018 में जो इवनिंग शिफ्ट थी 4 से 5:30 बजे वाली, उसमें आया साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एवोगैड्रो संख्या NO के द्वारा निरूपित की जाती है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु है हाइड्रोजन, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर पर सेकंड के आरंभिक गति से चल रही है, यदि इसके ऊपर 60 न्यूटन का मंदक लगाया जाता है मंदक बल, तो इसे रुकने में कितना समय लगेगा, तो 10 सेकंड इसमें करेक्ट हो जाएगा जो सॉल्व करोगे। नेक्स्ट, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि आयाम बढ़ने से बढ़ती है। नेक्स्ट, एक एक्टिनाइड नहीं है, तो कौन सा एक एक्टिनाइड नहीं है, तो एक्टिनाइड कौन कौन से है वो उनके हम बात कर लेते, थोरियम हुआ, नेबलियम हुआ, थोड़ा इसको और अच्छा कर लेते हैं ताकि अच्छा दिखे आपको, ठीक है। थोरियम हुआ, नेबुलियम हुआ, फर्मियम, तो ये तो हो गए एक्टिनाइड, और एक्टिनाइड इनमें से कौन सा नहीं है, तो एक्टिनाइड इनमें से ये नहीं है, ठीक है जी। टर्बियम एक्स वो नहीं है इसमें से एक्टिनाइड। नेक्स्ट, 20 किलोवाट के इंजन द्वारा 10 सेकंड में किया गया अधिकतम कार्य कितना होगा, तो 200 किलो जूल इसमें आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है, तो उसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होंगे, तो बेरिलियम इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है, तो पिरेनकाई में इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, एक उभयलिंगी पुष्प है, तो पपीता इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, लिनन जिस कपड़े से संबंधित है उस प्रकार सोना किससे संबंधित है, धातु से। नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु 60 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है तो 480 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो 8 सेकंड इसमें आ जाएगा जब आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता, तो लंबाई, देखो इसमें लंबाई हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, पदार्थ होगा, तो ये तो एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं, और प्रभावित कौन सा नहीं करता, तो दबाव इसमें हो जाएगा, ठीक है जी, दबाव प्रभावित नहीं करता। नेक्स्ट, जंतु कोशिकाओं में वृक को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए एपिथीलियम इसके आंतरिक परत निर्मित करता है, तो आयत फल के क्यूबॉइडल इसमें हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है, तो लागू बल के, फोर्स के समानुपाती होती है। नेक्स्ट, यदि किसी गतिमान वस्तु पर एक बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी, तो घर्षण के कारण रुक जाएगी। नेक्स्ट, यौन संक्रमित बीमारी नहीं है, तो पहले तो बात कर लेते हैं यौन संक्रमित बीमारी इनमें से कौन कौन सी है, ये हो गया गोनोरिया, सिफिलिस, मत्स्य, तो ये तो यौन संक्रमित बीमारी है, और इनमें से यौन संक्रमित बीमारी कौन सी नहीं है, तो ये हो जाएगा कैंडिडाइसिस, ये यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। नेक्स्ट, की रासायनिक विशेषता एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं, समस्थानिक इसमें हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग समस्थानिक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड की
6 मीटर ऊंचाई वाली ऊंचाई पर स्थित ऊर्जा क्या होगी? तो जी आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्रोलोगे सॉल्व करोगे तो 300 जूल आ जाएगा, 3000 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रति ध्वनि के कारण सुनाई देती है, तो किसके कारण सुनाई देती है? ध्वनि तरंगी तरंगों के परावर्तन के कारण प्रति ध्वनि सुनाई देती है। नेक्स्ट, अग्नाशय रस में मौजूद ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट, यदि साइकिल की गति डबल कर दी जाए, यानी यदि साइकिल की जो स्पीड है उसको दुगना हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के अणु में होता है तो एक दोहरे सहसंयोजक बंध। नेक्स्ट, उसकी पहचान करें जो इस समूह से संबंधित नहीं है, तो एलुमिनियम, आयरन, पीतल, ये तो समूह संबंधित होगा, बैकेलाइट इसमें अलग है, तो बैकेलाइट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, परमाणु संख्या 58 वाले लैंथेनाइड श्रृंखला का तत्व सीरियम है, तो सीरियम इसे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फेनोफ्थलीन को सिरके में डालने पर गोल रंगीन हो जाता है। नेक्स्ट, नीचे दी गई संरचना को दर्शाया गया यौगिक का नाम क्या है? तो एक मिनट इसको चलो मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो ये क्या है? C6H6। तो ये क्या हो जाता है? C6H6 हो जाता है बेंजीन, ठीक है, बेंजीन, ठीक है, ये हो जाता है बेंजीन। नेक्स्ट, डाउन सोडा की के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब दोस्तों 23 सितंबर 2022 में जो मॉर्निंग शिफ्ट थी उसमें एक साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अधातु कक्षीय ताप पर तरल होते हैं, तो ब्रोमीन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सोडियम धातु में संग्रहित होती है, तो क्रोसिन में संग्रहित होती है। नेक्स्ट, कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरे में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? तो ओम का नियम इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 50 किलोग्राम भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ जाता है, यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का पता लगाए। जी आप लीजिएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सॉल्व करोगे तो 375 वाट इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, 10 मीटर पर सेकंड से गतिमान एक 2000 किलोग्राम का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है और टकराव के बाद दोनों एक साथ 9 मीटर पर सेकंड की गति से चलते कार का द्रव्यमान है, तो सॉल्व करोगे 5500 kg इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, 750 वॉट की एक विद्युत वॉशिंग मशीन का उपयोग 4 घंटे प्रतिदिन के लिए किया जाता है, एक दिन में मशीन द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा कितनी होगी? तो 3 यूनिट इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो परावर्तन की घटना घटित होती है, तो कौन सी नियमित इसमें हो जाएगा? नियमित परावर्तन की घटना घटित होती है। नेक्स्ट दोस्तों, डिस्क्रिपेंसी की वजह से इसको इग्नोर किया गया रेलवे ने, ऊपर की ओर फेंकी गई गंद को 12.5 सेकंड में जमीन पर वापस आती है, तो वो एक ज्ञात करो जिससे इसे बह गया, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प एक उभयलिंगी है? तो पपीता इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 kg और पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 kg है एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड के वेग से बढ़ रहे हैं, एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट क्या होगा? तो विपरीत दिशा में हो जाएगा, तो इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड इज एंडोक्राइन ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो पीयूष की ग्रंथि है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है, तो नियान, क्रिप्टॉन, आर्गन, तो एक समूह से संबंधित, प्लेटिनियम इसमें अलग हो जाता है। नेक्स्ट, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट, टेस्ट्स में से कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? टेस्टोस्टेरोन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, समय के साथ विस्थापन एवं परावर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। नेक्स्ट, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने का इक्वेस्ट हो जाते हैं? 32 फॉरेनहाइट के इक्वेस्ट हो जाती है, 32 फॉरेनहाइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बनिक बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इथाइन, इथीन, इथीन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है? संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति, तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक कैटायन है? तो अमोनियम इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं? तो 5 इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि 50 वॉट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपभोग करता है तो बल्ब द्वारा किया गया
यानी कि लिया गया समय है, तो 20 सेकंड इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है, जिसे हैमर, एनविल और स्ट्रिप बीच वाले कान में, ठीक है। नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं, 10 इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से आकार में सबसे छोटा, ठीक है, निम्न में से आकार में सबसे छोटा कौन सा है, तो सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधे का एक गुण नहीं है, तो द्विबीजपत्री पौधे के कौन कौन से इसमें से गुण है, तो ये हो गया, एक मिनट, ठीक है, एक तो हो गया ये जालीदार सिरा रचना मुख्य जड़, और दो बीजपत्री, तो ये है द्विबीजपत्री पौधे के गुण हो गए। और इनमें गुण गुण कौन सा नहीं है, तो रेशेदार जड़े इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, गति का द्वितीय समीकरण किसके बीच संबंध प्रदान करता है, तो स्थिति समय के बीच, ठीक है। नेक्स्ट, 23 सितंबर 2018 में जो आफ्टरनून शिफ्ट थी 12:30 से 2 बजे वाली, उसमें साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के समान वेग से गतिमान है, वस्तु द्वारा लगाई गई गतिज ऊर्जा कितनी है, तो 250 जूल इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है, इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, तो ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीकरण इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 तत्वों में से किसका सबसे बाहरी सेल भरा है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाते हैं। नेक्स्ट, एक लेंस की पावर -2.5 डायोप्टर है, लेंस का प्रकार और इसकी फोकस लंबाई क्रम से होगी, तो अवतल, तो लेंस का वो होगी, लेंस का प्रकार और लंबाई कितनी होगी, -0.40 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, उर्ध्वपातन क्या है, यह किसी ठोस को वाष्प में रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट, किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की, तो मेंडलीव इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CnH2n-2 हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 kg द्रव्यमान की एक वस्तु में जमीन के सापेक्ष 2 जूल की स्थिति ऊर्जा होती है, जब यह निम्नलिखित ऊंचाई पर होती है, तो जी आप लीजिएगा 10 m/s² और सॉल्व करोगे तो 0.2 मीटर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, गैल्वोनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा राइजोबियम का उदाहरण है, तो अदरक इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, Si58 तत्वों के ब्लॉक का सदस्य, किस ब्लॉक का सदस्य है, तो F इसमें हो जाएगा, F ब्लॉक का सदस्य। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा की कोई इकाई नहीं है, तो सापेक्षित घनत्व इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्रुमस के बीच की संधि को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट, धातु के तार का प्रतिरोध कितना होता है, तो इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे है, तो ध्वनि तरंगे, यांत्रिक तरंगे। नेक्स्ट, समय टी के दौरान तार में विद्युत धारा के त्वरण के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो इसमें आप देख सकते हो H=I²RT इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध दर्शाता है, तो क्लोरीन अणु हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बल की इकाई क्या है, तो न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मोम की तरह नरम होती है और इसे चाकू से काटा जा सकता है, तो दोस्तों डिस्क्रिपेंसी की वजह से इसको नेगलेक्ट किया गया है रेलवे द्वारा। नेक्स्ट, एक वस्तु पानी में इस प्रकार तैरती है कि उसका एक तिहाई हिस्सा पानी के नीचे है, वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व का n गुणा है, तो n का मान कितना होगा, तो 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट, समूह के पौधों को शैवाल कहा जाता है, थैलोफाइटा के समूह के पौधे को शैवाल कहा जाता है। नेक्स्ट, जब वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुणी। नेक्स्ट दोस्तों, 24 सितंबर 2018 में जो मॉर्निंग शिफ्ट थी उसमें साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 1/2 m द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2V है का संवेग कितना होगा, तो mv हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं, तो देवदार इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, किस व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोध है जिनमें से प्रत्येक का मान 1/5 ओम है
उनको जोड़कर प्राप्त किए गए अधिकतम प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। ठीक है, 1/5, 1/5 इस तरह के जोड़ोगे तो आपस में 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक शुद्ध पदार्थ है मीथेन, इसमें जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मीथेन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, तो उर्वरीकरण के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। नेक्स्ट, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है, तो पक्षी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाले समीकरण के निम्न में से कौन सा है, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि कोई एजेंट समय t में w काम करता है तो उसकी पावर कितनी होगी, w बाई टी इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव पाचन तंत्र में यकृत जो लीवर होता है इसे पित्त रस का स्राव होता है। नेक्स्ट, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है, तांबे की छठ हो जाएगी इसमें। नेक्स्ट, धातुकर्म एक प्रक्रिया है अयस्क से धातु को निकालने की। नेक्स्ट, आनुवंशिक गुणों के वाहक DNA होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट समूह 18 के तत्व है, तो उसका श्रेय से समूह 18 के तत्व सदस्य। नेक्स्ट, त्वरण की इकाई क्या है, मीटर सेकंड स्क्वायर इसमें हो जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट, फ्लोरिन से क्लोरिन ब्रोमिन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है। नेक्स्ट, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है, Fe2O3 × H2O इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, मैग्नीशियम के परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता ज्ञात करें, तो +2 इसकी संयोजकता हो जाती है। नेक्स्ट, एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाने पर सिर पर रखता है सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें। जी, आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लोगे, सॉल्व करोगे तो 400 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट, एसिटिक अम्ल एथेनिक अम्ल का साधारण नाम है। नेक्स्ट, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो पुतली द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता, तो प्रभावित कौन कौन सा करता है, सिरसलम, पृथ्वीकाकर और गहराई, कौन सा नहीं करता, द्रव्यमान इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी एल है तो उनकी तरंग दैर्घ्य को व्यक्त करे, तो जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो एल द्वारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग जामुनी होता है। नेक्स्ट, 24 सितंबर 2018 में 12:30 से 2 बजे वाली जो शिफ्ट थे अपने शिफ्ट, उसमें आई साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते, जंतुओं का सबसे बड़े समूह क्या कहा था, आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। नेक्स्ट, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता है, समान आकार, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टी, आवासीय, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नारियल के छाल का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, स्क्लेरम काइमा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है। ठीक है जी, नेक्स्ट, पानी में एक अम्लीय क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है, तो ऊष्मा छिपी अभिक्रिया इसमें हो जाता है। नेक्स्ट, एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया गया, यदि मोबाइल फोन का द्रव्यमान 0.5 kg है और मोबाइल फोन को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है, जी आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिएगा, तो फोन की स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिएगा, सॉल्व करोगे तो 500 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरोविक का विघटन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट, एक निष्क्रिय गैस है, तो क्रिप्टॉन एक निष्क्रिय गैस है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्रिप्टॉन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से दुगना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने गुना वृद्धि होगी, तो 3 इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यावहारिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है, तो अनुप्रयोग पर क्या क्या आधारित है, इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन, इलेक्ट्रिक केतली और इलेक्ट्रिक टोस्टर, और कौन सा आधारित नहीं है, तो ये इसमें हो जाएगा, इलेक्ट्रिक घंटी। नेक्स्ट, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नेक्स्ट, 70 kg का एक आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के एक आदमी को धक्का देता है, 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का दिया, कितने बल से धकेला, तो 50 न्यूटन इसमें आ जाएगा जब आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट, वंशानुक्रम की इकाई जीन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजाति की उत्पत्ति नाम पुस्तक किसने लिखी, तो डार्विन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 2.8 ग्राम वजन वाले एक लोहे के टुकड़े में आयरन के परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 3.01 × 10^22 परमाणु इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट,
जब 8 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। लगाए गए बल का परिमाण क्या है? तो 20 न्यूटन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 हो जाएगा। नेक्स्ट, गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? गैस की मात्रा दाब के। नेक्स्ट, गिरते हुए नारियल में होता है तो क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, कैलिफोर्नियम किसका सदस्य है? तो एक्टिनाइट श्रेणी का सदस्य है। नेक्स्ट, अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके गेम खेलते हैं तो चूहे इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है तो बैंकिंग सोडा इसमें हो जाएगा। आधुनिक आवर्तसारणी के समूह में केवल सात तत्व है। नेक्स्ट दोस्तों, 24 सितंबर 2018 में जो इवनिंग शिफ्ट थी 4 से 5:30 बजे वाली, उसमें आई साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? तो द्रव्यमान और आयतन का, तो द्रव्यमान बटे आयतन इक्वल टू घनत्व हो जाता है। नेक्स्ट, प्रजातियों में जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान करता है? तो परिवर्तन इसमें हो जाएगा। प्रजातियों में परिवर्तन जीवित रहने का लाभ प्रदान करता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट, एक लड़का 4 केजी के एक स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में होगी? तो शून्य इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण होते हैं तो अवरक्त इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो गति का तृतीय नियम इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट, बंदूक से 12 ग्राम की गोली दागी जाती है, गोली को बैरल से बाहर निकलने में 0.06 सेकंड लगते हैं तथा उसकी गति 600 मीटर पर सेकंड है, बंदूक द्वारा गोली पर आरोपित बल कितना होगा? तो 1200 न्यूटन इसमें हो जाएगा। संवेग में होता है, परिमाण और दिशा दोनों होती है संवेग में। नेक्स्ट, विद्युतीय विगलन निम्न में से किस पर आधारित होता है? धारा का उसमें प्रभाव इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? तो सोडियम इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉपर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया में अपचयन अभिकारक है तो CO इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है तो 1/2 mv² हो जाएगा। नेक्स्ट, 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं तो स्तनधारी इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया होती है तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? ये CaCO3 + 2HCl, CaCl2 + H2O + CO2 तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? तो पक्षी इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? तो लेंथोनाइड्स इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह समूह किससे संबंधित है? तो समूह 2 से संबंधित है। नेक्स्ट, भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, इस तंतु को कहा जाता है? तो नाल इसको कहा जाता है, नाल इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब उच्च होते हैं, तो उच्च इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। नेक्स्ट, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका वसा और वसा का पायसीकरण होती है। नेक्स्ट, एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किया जाता है जा सकता है? तो 18 इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, 25 सितंबर 2018 में जो मॉर्निंग शिफ्ट थी 9 से 10:30 बजे वाली शिफ्ट थी, उसमें आई साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कोई वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर और अगले 16 मीटर 2 सेकंड में चलती है, उस वस्तु का औसत चाल क्या है? तो 5.17 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट, वनीला का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रायोफाइट? तो ब्रायोफाइट कौन कौन से इसमें से, तो ब्रायोफाइट कौन कौन से है, ये हो गया मर्चेंटिया, ठीक है, ये ब्रायो वो है ब्रायोफाइट, रिकिया,
और फुनेरिया, तो ये ब्रायोफाइट है, और ये जो चार है ये ब्रायोफाइट नहीं है, तो इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज डबल देन इट्स वेव लेंथ विल बी हाफ ऑफ द ओरिजिनल, इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, 25 सितंबर 2018 में जो मॉर्निंग शिफ्ट थी 9:30 बजे वाली शिफ्ट, उसमें सारी साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कोई वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर और अगले 16 मीटर 2 सेकंड में चलती है, तो उस वस्तु को औसत चाल क्या है? सॉल्व करोगे तो 5.17 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट, का उपयोग सुगंधक संकेतक के रूप में किया जाता है, वनीला का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है। विच ऑफ नोट 4 ये हो गया डिस्कस, एफ ये भी हो गया डिस्कस, कौन सा था? तो समूह 17 संबंधित नहीं है, तो समूह 17 से कौन कौन से संबंधित है? वो क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया और ब्रोमीन हो गया, तो ये तो समूह 17 संबंधित है, और आर्गन जो है समूह 17 से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, इफ द वर्क डन बाई एन एलिवेटर इज 1000 जूल विद अ कॉन्स्टेंट फोर्स ऑफ 200 न्यूटन देन द डिस्टेंस कवर्ड बाई एलिवेटर इज, तो सॉल्व करोगे तो आप 5 मीटर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास ऑफ 30 kg इज मूविंग विद एन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाई द ऑब्जेक्ट, तो सॉल्व करोगे 375 जूल इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, लेंस का सूत्र क्या है? तो डिस्क्रिपेंसी की वजह से रेलवे ने इस क्वेश्चन को वो किया है इग्नोर, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन देख लीजिएगा। Fe+SO4 Fe+SO4+U द गिवन रिएक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ किसका? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, इज एन ओर ऑफ मर्करी, तो सिनावर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी पर किस वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है? पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? तो 98 न्यूटन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पाँव का कारण होता है? तो ये फाइलेरियल वर्म्स इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक आ बुलेट ऑफ मास 12 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ राइफल, द बुलेट टेक्स 0.006 सेकंड टू मूव थ्रू इट्स बैरल एंड लीव्स इट विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 mL, व्हाट इज द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द बुलेट बाय द राइफल, तो सॉल्व करोगे तो 600 न्यूटन इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है, तो कौन सी प्रावैज्ञानिक विकिरण इसमें हो जाएगा? नेक्स्ट, परमाणु संख्या 56 वाला तत्व तो किस ब्लॉक से संबंधित है? तो एस ब्लॉक से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? तो कौन कौन से समूह से संबंधित है? जैसे पारा पेरिफिन नारियल तेल, तो ये एक ही ग्रुप से संबंधित है, और जो डी है डी अलग हो जाता है इसमें, ठीक है, डी अवसाद ये इसमें इससे संबंधित नहीं है। एंजियोस्पर्म्स का के प्रजनन के भाग है, तो एंजियोस्पर्म के प्रजनन के भाग किसमें स्थित होते हैं? पुष्प इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, एवेपोरेशन ऑफ वाटर अकर्स एट ऑल टेम्परेचर। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम गिवन, तो द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम गिव डिस्प्लेसमेंट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्राइवित होता है? तो एमाइलेज इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ अ करंट ऑफ 0.3 एम्पीयर इज पास्ड थ्रू अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 418 ओम फॉर 1 मिनट, फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द हीट एनर्जी जनरेटेड, तो सॉल्व करोगे आप तो 540 कैलोरीज में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद MgCO3 के 21 ग्राम में मैग्नीशियम के अणु, तो डिस्क्रिपेंसी की वजह से रेलवे ने इसको इग्नोर किया है। नेक्स्ट, तांबे के जस्ते के साथ कांस्य बनाने के लिए तत्व जोड़ा जाता है, तो कौन सा तत्व जोड़ा जाता है? तो SN इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्यूल फॉर्म अंडर द अर्थ सरफेस बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड, तो इसमें हो जाएगा फॉसिल इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, शांत न्यूट्रिक नाइट्रिक अम्ल और शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कितने के रेशियो में होता है? तो 1:3 इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी ब्रिंग ग्रेटर डाइवर्सिटी, तो सेक्सुअल इसमें हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब दोस्तों बात कर लेते हैं 25 सितंबर 2018 में जो आफ्टरनून शिफ्ट थी 12:30 to 2 वाली, उसमें आई साइंस के क्वेश्चनों के बारे में। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 106 होता है। नेक्स्ट, निम्न में से सही कथन कौन सा? हीलियम और आयनीकरण क्षमता अधिकतम होती है, तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है, तो खाद्यों का प्रवाह ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है, तो धातु ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्तसारणी में जिगजैग रेखाएं को अलग करती है, तो अधातुओं से धातुओं को अलग करती है। नेक्स्ट,
सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व तो हाइड्रोजन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो मैंने आपको ये बता ही दिया था, तो बल ये हो जाएगा। नेक्स्ट उत्प्रेरक वे पदार्थ जो अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं। नेक्स्ट गले में के छल्ले मौजूद होते हैं, तो उपास्थि के छल्ले गले में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट दाब की ऐसा इकाई तो पास्कल होती है। नेक्स्ट एक वस्तु 4 सेकंड में 20 मीटर और फिर 2 सेकंड में अगले 15 मीटर की यात्रा करती वस्तु की औसत चाल कितनी होती है, कितनी होगी? सॉल्व करोगे तो 5.83 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट धातुओं में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है, तो वक्र इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है, तो स्क्लेरेन्काइमा ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। नेक्स्ट निष्क्रिय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। नेक्स्ट द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। नेक्स्ट जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट परमाणु का आकार सबसे कम किसमें होता है, तो हीलियम, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हीलियम हो जाता है। नेक्स्ट में ध्वनों की गति सबसे तेज होती है, तो स्टील इसमें हो जाएगा। पानी, केरोसिन, तेल, वायु, तो इसमें कम होते स्टील। जो आपको यहाँ ध्यान रखना है, जो ठोस है ठोस में ध्वनि की गति ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान, तो 16.8 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट कार्बन का अपरूप नहीं है, तो फुलरीन, ठीक है, फुलरीन हो गया, हीरा, ग्रेफाइट, तो ये तो कार्बन का अपरूप है। और कार्बन का अपरूप कौन सा नहीं है, तो कोयला इसमें अपरूप नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 12 वोल्ट की बैटरी में 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम और 0.5 ओम और 12 ओम की प्रतिरोध श्रृंखला में एक साथ जुड़े हैं। 0.3 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से कितनी धारा प्रवाहित हो गई, सॉल्व करोगे तो 0.895 एम्पियर आ जाएगा। दोस्तों जो न्यूमेरिकल है इसके एक स्पेशल वीडियो मैं बना दूंगा, जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करा दूंगा, जितने भी न्यूमेरिकल है, ठीक है जी। तो अगर इसी वीडियो में मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो अभी ठीक है। यदि किसी दर्पण के फोकस लंबाई तो +15 है, तो यह है तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट बोतल से 6 मीटर ऊपर स्थित 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में निहित ऊर्जा क्या होगी, तो जी आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लोगे, सॉल्व करोगे तो 528 जूल आ जाएगा। दोस्तों 25 सितंबर 2018 में जो इवनिंग शिफ्ट थी 4 से 5:30 बजे वाली, उसमें आई साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगर पानी का घनत्व 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है और तांबे का घनत्व 8.9 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो तांबे का सापेक्षित घनत्व कितना होगा, तो सॉल्व करोगे तो 8.9 इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, तो उत्पाद के रूप में लवण और जल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट संपारिकों में नाभिक की संख्या समान होती है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, तो कार्य इसमें हो जाएगा। और नेक्स्ट टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है में संश्लित होता है, तो वर्षण में संश्लित होता है, ठीक है। नेक्स्ट पौधों में वाष्पोत्सर्जन, अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है, तो वाष्पोत्सर्जन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है, तो क्लेमाइडोमोनस इसमें हो जाएगा। निम्न में से क्या अंडक में उपस्थित होता है, तो बीजाणु इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें क्या कहा जाता है, तो अप्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। नेक्स्ट ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है, तो स्क्लेरेन्काइमा ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। नेक्स्ट एक वस्तु 4 सेकंड में 22 मीटर और फिर 2 सेकंड में अगले 15 मीटर की दूरी तय करती है, वस्तु की औसत चाल कितनी है, तो सॉल्व करोगे तो 6.17 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट धातु ऑक्साइड बनाने के लिए आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया करती है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एल्यूमिनियम इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है, तो समान त्वरित गति इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरल को क्या कहा जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है, तो नमी इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट किसी दोलन द्वारा एक आयाम पूरा करने में कर लिया गया समय क्या कहलाता, तो आवर्त कहलाता है। नेक्स्ट यदि कोई वस्तु 1 न्यूटन का बल लगाकर निर्दिष्ट दिशा में 1 मीटर की दूरी तय करती है,
तो क्या कह गया कार्य वन जूल हो जाएगा, सोल्व करोगे तो। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्ष में केवल दो इलेक्ट्रॉन होते, तो हीलियम इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, फुलरेन किसका अपरूप है, तो कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट, दाब की एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक पास्कल। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर जिंक सल्फेट बनता है। नेक्स्ट दोस्तों, अब 26 सितंबर 2018 में जो मॉर्निंग शिफ्ट थी उसमें क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। आधुनिक आवर्तसारणी परमाणु संख्या वाले तत्व 11 से 18 में रखे जाते हैं, तो 3 इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। नेक्स्ट, एक हालोजन है, क्लोरीन एक हालोजन है। नेक्स्ट, 23.3 ग्राम जिंक में मोल्स की संख्या होती है, तो 0.35 मोल्स की संख्या होती है। नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए मेरिस्टोमेटिक ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। नेक्स्ट, सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व है, तो इसमें डिस्क्रिपेंसी की वजह से रेलवे ने इसको इग्नोर किया है। नेक्स्ट, जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातुओं को डुबाया जाता है, तो कोई प्रक्रिया नहीं होती। नेक्स्ट, जब तार की लंबाई दुगनी की जाती है तो अमीटर की रीडिंग कितनी कम हो जाती है, आधी कम हो जाती है। नेक्स्ट, 100 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 17 मीटर पर सेकंड के एक समान रूप से त्वरित किया जाता है, वस्तु पर लगाए गए बल का परिणाम है, तो 200 न्यूटन हो जाएगा जब आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट, यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान उसके वंशाणु जीन का आधा भाग होता है। नेक्स्ट, गांठ कोशिकाओं में प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं जिससे स्टेमाटा का छिद्र खुल जाता है, तो पानी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, वनस्पति तेल के हाइड्रोजिनेशन में उत्प्रेरक कैटलिस्ट के रूप में का किसका प्रयोग होता है, तो निकल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, एक बीजपत्री मोनोकट पौधा है, तो लहसुन इसमें हो जाएगा, लहसुन एक बीजपत्री मोनोकट पौधा है। नेक्स्ट, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, वस्तु जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है को क्या कहते हैं, चमकदार वस्तु कहलाती है। नेक्स्ट, तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है, तो आर्गन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु का भार मास 20 kg है, पृथ्वी पर उस वस्तु का भार क्या होगा, तो जी आप 9.8 मीटर पर सेकंड लोग सॉल्व करोगे 96.9 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गंधकीय सूचक है, तो लॉन्ग इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है, तो वाई गुणसूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है, तो ठोस पदार्थ हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्य होता है यदि ऊर्जा है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहा जाता है, तो भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, 26 सितंबर 2018 में जो 12:32 वाली जो आफ्टरनून वाली शिफ्ट थी उसमें साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हीरे की निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। नेक्स्ट, इथेनॉल का सूत्र C2H5OH होता है। नेक्स्ट, पादप कोशिकाएं भित्ति किससे बनी होती है, तो सेलुलोज और पैक्टिन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, मेंडल ने F1PD के पौधों से F2 वंशज की पद्धति द्वारा प्राप्त किया, तो स्वपराकण इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, 2.5 kW यानी 25 वाट कितने के वाट का किलोवाट के बराबर होता है, 2.5, ठीक है। नेक्स्ट, टॉर्टिक एसिड किसका एक घटक है, तो बेकिंग पाउडर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, निक्रोम, ठीक है। नेक्स्ट, लंबवत फेंकी गई एक गेंद 12.5 सेकंड के पश्चात जमीन पर लौट आती है, जिस वेग के साथ इसे फेंका गया उसे ज्ञात करो, जी आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लोगे तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन रेलवे ने इसको इग्नोर किया है डिस्क्रिपेंसी की वजह से। दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति में अधिकतम किसमें होगी, एल्यूमिनियम, ठीक है। ये तो वो दिए हुए हैं डोज, तो इसमें एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट, द सेरेब्रम इज कंसर्न विद, तो कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर मूवमेंट। नेक्स्ट, भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का प्रदर्शन कहाँ किया, पोखरण, तो ये जो है थोड़ा जीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नमक एक प्लेटफॉर्म में बहुत सामान्य आंखें होती है जो वास्तव में केवल आंखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं, तो प्लेनेरिया इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ समय कितना होगा, तो 10 kg/s हो जाएगा। नेक्स्ट, बेंजीन के एक अणु में तीन दोहरे आबंध होते हैं, 10 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 m/s² वेग के साथ गतिमान है, वस्तु में निहित संवेग है, तो 20 kg/s हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि जिंक
कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 वाले तत्व किस आवर्त में रखे जाते हैं, तो 4 इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, पानी के दो 340 ग्राम विलयन में 60 ग्राम साधारण नमक है। द्रव्यमान परसेंट द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता गणना करें तो 15% हो जाएगा। नेक्स्ट, के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, तो 2 इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंत स्थापित होती है जो बना होता है तो कैल्शियम और फॉस्फोरस। नेक्स्ट, जब तत्वों को परमाणु भारों में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का लगभग औसत होता है, इस नियम को जाना जाता है तो डोबरेनर का त्रिक का नियम हो जाता है। नेक्स्ट, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो क्षेत्रफल निर्भर करता है, क्षेत्रफल, ठीक है। नेक्स्ट, एक दुकान एक माह में 250 यूनिट ऊर्जा का उपयोग करती है, कितनी ऊर्जा का उपयोग जूल में किया गया, तो 9×10⁸ जूल हो जाएगा। नेक्स्ट, एक सिलिकॉन इज नोन एज, तो जर्मेनियम इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, 26 सितंबर 2018 में जो इवनिंग शिफ्ट थी 4 से 5:30 बजे वाली जो शिफ्ट थी उसमें आए साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड क्विलियन के साथ मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट बनता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों के समूह की विशेष विशेषता है, ये सभी तत्व धातु हैं, ये सभी तत्व हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, इन सभी तत्वों में एक वैलेंसी है, तो इसका हो जाएगा अलिकली धातु मेटल समूह, ठीक है, इस समूह से है। नेक्स्ट, वास्तविक अर्थ में मुक्त रूप से गिरना केवल इसमें होता है, तो निर्वात इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं, सर्किट के माध्यम का मान है एक ही रहता है। नेक्स्ट, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। नेक्स्ट, मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब फादर और मदर शुद्ध प्रजनन हो, यानी माता पिता शुद्ध प्रजनन हो। नेक्स्ट, जॉइंट पर हड्डी की सतह को कार्टिलेज मुलायम करती है। नेक्स्ट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट को भी इस रूप में जाना जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, POP, ठीक है। ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है, तो इसके रैखिक ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह है, तो आधुनिक आवर्त सारणी वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह है। नेक्स्ट, सबसे हल्की धातु, तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट, सीमेंट का मुख्य घटक क्या है, तो SiO2, ठीक है जी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक आवर्त 288 वाला एक तत्व आधुनिक आवर्त सारणी किस समूह में रखा गया है, तो 18 इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें हवा में और घनत्व माध्यम प्रकाश गति का अंतर इस प्रकार है, तो इसमें डिस्क्रिपेंसी की वजह से रेलवे ने इसको इग्नोर किया क्वेश्चन को। नेक्स्ट, यौगिक में एक कार्यात्मक समूह के रूप में OH है, तो बुटानॉल हो जाता है। नेक्स्ट, यौगिक का प्रयोग सिद्ध सूत्र CH2O, इसकी वाष्प घनत्व 90 है, यौगिक आणविक सूत्र कितना होगा C6H12O6। नेक्स्ट, 30 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है, वस्तु की गतिशील ऊर्जा तो 1500 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट, कुछ पौधों की जड़ें उपजी और पत्तियों की वनस्पति प्रचार प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों में विकसित होता है। नेक्स्ट, एक विमान दर्पण के लिए छवि आभासी और पार्श्व उल्टा, ठीक है, ये हो जाता है। नेक्स्ट, राम और श्याम का वजन 55 किलो है, राम को सीढ़ियाँ चढ़ने में 5 मिनट लगते हैं जबकि श्याम को वही सीढ़ियाँ चढ़ने में 3 मिनट लगते हैं, कौन अधिक कार्य करता है, राम और श्याम बराबर कार्य करते हैं। नेक्स्ट, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। नेक्स्ट, ऊतक हमारे मुंह के आंतरिक स्तर में बनाता है, सरल और स्क्वेम्स, तो ऊतक हमारे मुंह के आंतरिक स्तर को बनाता है, तो क्या कौन सा बनाता है, सरल स्क्वेम्स एपिथेलियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 सितंबर 2018 में जो 9 से 10:30 बजे वाली जो शिफ्ट थी उसकी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। घनत्व माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है, तो अपवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट, अलैंगिक प्रजनन होता है तो किसमें, कम विकसित जानवरों और पौधों में। नेक्स्ट, यौगिक को सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, शीतल पेय में शामिल है, तो कार्बनिक एसिड इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है, तो लीनियस इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, एक अणु में हैलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण विद्युतीय ऋणात्मक होता है, तो विद्युत ऋणात्मक इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, आंखों को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है, सीलियर बॉडी इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट,
किसी वस्तु पर लगने वाला सामर्थ्य को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। Al2SO4 में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना 56.1% इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा होगा तो 500 जूल इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा क्या क्या कार्य होगा तो 500 जूल इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, 10 kg की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है तो वस्तु की गति ऊर्जा है तो 20 जूल इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, तत्वों में सबसे बड़ा अणु लिथियम हो जाता है। नेक्स्ट, तत्वों के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच कौन सा ऊतक बनता है तो ये वसा, तत्वों के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच वसा ऊतक बनता है। नेक्स्ट, आवधिक सारणी के अवधि 4 में निम्नलिखित में कौन सा निष्क्रिय गैस रखा गया है तो क्रिप्टॉन इसमें हो जाएगा Kr। नेक्स्ट, जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 किलोग्राम के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है तो प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताइए तो 5.33 न्यूटन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है तो ये प्रोपेन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 kilowatt hour इक्वल टू 3.6 × 10^6 जूल इसमें हो जाता है। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है, वर्षण में होता है। नेक्स्ट, एक कार 5 सेकंड में 18 kilometers per hour से 72 kilometers per hour तक समान रूप से एक्सलरेट करती है, कार का त्वरण कितना होगा, 3 meters per second² हो जाएगा। नेक्स्ट, तांबे सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाए जाने पर विस्थापित होता है तांबा इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति चट्टान के पास ताली बजाता है और 6 सेकंड के बाद इसकी सुनाई देती है, व्यक्ति से चट्टान की दूरी कितनी होगी तो वी आपको 340 meters per second लेना है तो सॉल्व करोगे तो 1038 meters इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, 20 kilograms का द्रव्यमान जमीन से 8 meters की ऊंचाई पर है तो वस्तु द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी और जी आपको 9.8 meters per second² लेना है तो सॉल्व करोगे तो 1567 जूल इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, 27 सितंबर 2018 में जो 4 से 5:30 बजे वाली शिफ्ट थी उसके साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुनेरा समूह से संबंधित नहीं है तो दोस्तों मुनेरा जो समूह से कौन कौन से संबंधित है तो बैक्टीरिया, डायटम और साइनोबैक्टीरिया, तो ये तो संबंधित है। और कौन सा संबंधित नहीं है तो ये हो जाता है माइक्रोप्लाज्मा संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 18 होती है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथन का अध्ययन निम्नलिखित में कौन सा अधिकतम कथन में निहित है तो एंटीबायोटिक टैबलेट का उपयोग आंत के जीवाणु को अस्थिर कर देता है। अभिकथन क्या है, आंत में लाभकारी जीवाणु होते हैं। सेकंड, आंत का स्वस्थ होना शरीर के स्वस्थ होने के लिए सबसे आवश्यक है तो कौन सा वो है अंतर्निहित तो ये हो जाता है, ठीक है, आंत में लाभकारी जीवाणु होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है तो नैनोमीटर इसमें करेक्ट हो जाएगा, नैनोमीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट, पिट्सो पीड़ा की दीवारों में संकुचन के कारण होता है तो अग्रभाषी इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं तो 3 इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, N की परमाणु संख्या 7 है, फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या कितनी होगी, 33 इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाई श्वेत कणिकाएँ है तो श्वेत कणिकाएँ इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति बढ़ती है। नेक्स्ट का पीएच कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता, ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है गैलियम इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वोल्टमीटर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है, विभवांतर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी गोलीय दर्पण की परावर्तन सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे क्या कहा जाता है तो ध्रुव कहा जाता है। नेक्स्ट, सूर्य द्वारा उत्सर्जित एवं त्वचा के कैंसर हेतु उत्तरदायी विकिरण होती है तो अल्ट्रावायलेट विकिरण इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, यौगिक में एक वलय कार्बनिक श्रृंखला संरचना होती है तो बेंजीन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, हीलियम के 52 kilograms में कितने अणु उपस्थित होते तो 13 अणु उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है तो किया गया कार्य कहा जाता है। नेक्स्ट, वह गुण जो पीढ़ी में प्रभाव रखता है
और स्पष्ट रूप से देखा जाता है तो वह क्या कहलाता है, प्रबल कहलाता है। नेक्स्ट, यदि पानी का घनत्व 10 क्यूब kg/m³ है और धातु का घनत्व 8.5×10³ kg/m³ है तो धातु की सापेक्ष घनत्व कितना होगा, 8.5 इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, श्रृंखला में जुड़े 20 ओम कॉइल्स की कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो 60 ओम इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा समीकरण किसी ढांचागत रासायनिक समीकरण को निरूपित करता है, तो Mg+O₂, तो MgO ये हो जाएगा। ठीक है जी, Mg+O₂ MgO हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, 28 सितंबर 2018 में जो मॉर्निंग शिफ्ट थी 9 से 10:30 बजे वाली जो शिफ्ट थी उसमें आइंस्टाइन के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, द्वारा निश्चित अनुपात का नियम उद्धृत किया गया है, तो प्राउस्ट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्य के गुर्दे को के निस्यंदन की इकाई को क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन्स इसमें कहा जाता है। दोस्तों नेफ्रॉन्स की इसमें वो भी पूछ सकता है, तो इसमें आप देख लीजिए क्या कितने लाख के नेफ्रॉन्स होते हैं, इस तरीके से पूछ सकता है। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसको क्या कहते हैं, तो फोकस इसको कहते हैं। नेक्स्ट, यदि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 16 है तो मनुष्य की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं, तो 46 इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, अर्धचालक सेमीकंडक्टर है तो जर्मेनियम इसमें हो जाएगा, GE। नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर 16 का एक तत्व आवर्त सारणी के किस आवर्त में उपस्थित होता है, तो 3rd इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी का आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को कहा जाता है, तो मैग्मा इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता, तो पहले बात कर लेते हैं कार्बोनिल ग्रुप किस में होता है, तो केटोन, कार्बोक्सिल एसिड और एल्डिहाइड, तो इसमें होता है, और किस में नहीं होता, तो एथेनॉल में नहीं होता, तो इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्परिवर्तन म्यूटेशन आनुवंशिक नहीं होता, तो क्या किस किस में होता है आनुवंशिक, तो विलोपन, प्रतिलिपिकरण, प्रविष्टि, तो इसमें आनुवंशिक होता है उत्परिवर्तन, और किस में नहीं होता, तो दैहिक जो है इसमें नहीं होता। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त मौजूद होते हैं, तो कितने समूह और आवर्त होते हैं, तो 7 समूह और 10 आवर्त होते हैं। नेक्स्ट, एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है और उसका पीएच होने कितने होने की संभावना है, तो 6 होने की संभावना है पीएच मान। नेक्स्ट, 100 वॉट के एक इलेक्ट्रो बल्ब का प्रयोग किया जाता है, प्रतिदिन 8 घंटे के लिए यूज किया जाता है, एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा कितनी यूनिट हो जाएगी, 0.8 यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट, गति का दूसरा समीकरण किस किस के बीच स्थिति और समय के बीच संबंध देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं, तो हवा और दबाव हो जाता है। नेक्स्ट, में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक संबंध है, तो क्लोरीन इसमें हो जाएगा। औसत का सत्र, औसत वेग का सत्र क्या है, तो ये इसमें हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें डिस्क्रिपेंसी की वजह से रेलवे ने इसको इग्नोर किया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा समूह अनावर्त बीज उत्पन्न करता है, तो अनावर्त बीज इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वस्तु में 20 किलोग्राम द्रव्यमान और 10 न्यूटन/kg के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थिति ऊर्जा होती है, वस्तु की ऊंचाई कितनी होगी, तो सॉल्व करोगे तो 2 मीटर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, अम्लीय नहीं है, तो पहले बात कर लेते हैं इनमें से अम्लीय कौन कौन से हैं। ठीक है जी, अम्लीय की बात कर लेते हैं, PSL4 अम्लीय है, SbCl4 अम्लीय है और PSL3 अम्लीय है, और अम्लीय कौन सा नहीं है, तो ये अम्लीय नहीं है। ठीक है जी, तो ये इसमें हो जाएगा, CCl4 अम्लीय नहीं है। नेक्स्ट, क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता कितनी होती है, तो 1 इसमें होती है। नेक्स्ट, यदि समान क्षमता की 2 आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो क्या होता है, बिजली प्रवाहित नहीं होती। नेक्स्ट, तो अब इसमें अगर 2 आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो इसमें बिजली प्रवाहित नहीं होती, एक आवेशित होता और दूसरा आवेशित नहीं होता, तो जब बिजली प्रवाहित होती। नेक्स्ट, 4 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए, निम्नलिखित में कौन सा अधिक इलेक्ट्रॉन नकारात्मक होगा, तो क्लोरीन Cl इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वैच्छिक मांसपेशियां विद्यमान होती है, तो किसमें, हाथ में विद्यमान होती है। नेक्स्ट दोस्तों, 28 सितंबर 2018 में जो 12:30 से 2 बजे वाली आफ्टरनून शिफ्ट थी उसमें साइंस क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, इन एथेन इस कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू, तो 4 एटम से बॉन्डेड होता है। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाती है संरचना जो होती है इसकी, सी, ठीक है थोड़ा वो कर ले लेते हैं, इस तरीके के ले लेते हैं, CH H H और H।
ठीक है, इस तरीके से होता है इसमें। तो जो तो ये तो दोस्तों, हाँ ये तो मेथेन का हो गया, इसमें एथेन का पूछा गया है। तो एथेन का भी मैं आपको बता दूँ किस तरीके से, एक मिनट इसको हम बैक कर लेते हैं, एथेन का भी हम बना देते हैं। ठीक है, एथेन का बना देते हैं, इस तरीके से इसको ले लेते हैं। तो एथेन, वो एथेन का इस तरीके से हो जाएगा सी डैश सी, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच हो जाएगा और यहाँ पे एच हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके सी टू एच सिक्स। नेक्स्ट, द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 50 सेंटीमीटर, इट्स पावर इज, तो टू डायोप्टर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, वेरिएबल वेलेंसी इज एग्जिबिटेड बाई, तो ट्रांजिशन एलिमेंट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट प्रोड्यूस बाई करंट, तो कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट्स इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, द मास ऑफ अर्थ इज, तो 6 × 10^24 kg इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट विद अ मास ऑफ 25 kg इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 8 m/s स्क्वायर, देन द फोर्स एग्जर्टेड बाई द बॉडी इज, तो 200 N इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, रिएक्शन अगर्स वैन सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद द बेरियम क्लोराइड, तो डबल डिस्प्लेसमेंट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ अ बाइसिकल ऑफ मास 10 kg मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 20 m/s, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बाइसिकल इज, तो 2 kg इसमें हो जाएगा, यानी कि 2 kg मतलब 2000 J इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, एक अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ 20 m हाई टावर ड्रॉप्स अ स्टोन अज्यूमिंग जी इक्वल्स टू 10 m/s स्क्वायर, द वेलोसिटी विद विच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड इज, तो 20 m/s इसमें हो जाएगा जब आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट, इन सेल्स आर लूजली पैक्ड सो दैट लार्ज इंटर सेलुलर स्पेसेस आर फाउंड, तो पैरेन्काइमा इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, वेसल्स आर द मेजर वाटर कंडक्टिंग सेल्स इन एंजियोस्पर्म्स हो जाएगा। नेक्स्ट, वेन टू इक्वल फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड अपोजिट इन डायरेक्शन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बिकम्स जीरो। ठीक है, नेक्स्ट, इज द मेटल यूज फॉर मेकिंग फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स, तो टंगस्टन में हो जाएगा। नेक्स्ट, एक क्षार धातु है, तो सोडियम एक क्षार धातु है। नेक्स्ट, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पीरियड 6 and 7 कंटेंस लेंथेनाइड एंड एक्टेनॉइड। नेक्स्ट, इज नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन, तो रीजनरेशन इज नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन टेल्स अस हाउ लाइफ इवॉल्व फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो डार्विन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, अबल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न टू द ग्राउंड आफ्टर 12.5 seconds, फाइंड द वेलोसिटी विद विच इट वॉज थ्रोन अप, तो जी आप 10 m/s लगोस और यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट, प्रोमोट सेल डिवीजन, तो कौन सा का जो है कोशिका विभाजन के लिए कौन सा प्रमोट करता है, तो साइटोकाइनेसिस इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ लिथियम नाइट्राइड, तो Li3N इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, एलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ टू डबल सॉल्ट का हो जाता है। नेक्स्ट, एलिमेंट हैज टू ऑर्बिट दैट आर कम्प्लीटली फिल्ड, तो नियॉन इसमें हो जाएगा, एनी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण के प्रतिबिंबित सतह पर स्थित है, तो पोल इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, अब बात कर लेते, हाँ अभी तो ये रह रहा है, वाइट फास्फोरस इज स्टोर्ड इन, तो जो सफ़ेद फास्फोरस है वो किसमें स्टोर किया जाता है, किसमें रखा जाता है, तो जल के अंदर, पानी के अंदर रखा जाता है। दोस्तों 28 सितंबर 2018 में जो 4:30 बजे से वाली शिफ्ट थी उसके आई साइंस के क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 kg द्रव्यमान की वस्तु का कार्य वस्तु पर कार्य करता है, यह वस्तु के वेग को 4 m/s से 7 m/s तक बढ़ा देता, प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें, तो 7.5 N इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में किस तत्व के गुणधर्म पर निर्भर करता है, तो इसमें डिस्क्रिपेंसी की वजह से रेलवे ने इसको इग्नोर किया। नेक्स्ट, कौन सी धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो एल्यूमिनियम इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं, तो 6 इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है, तो वह दहन, दहन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक साधारण आवर्धक गिलास में निम्न शामिल होता है, जो छोटी फोकल लंबाई को उत्तल लेंस इसमें हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट,
किसी भी पदार्थ के एक अणु में 6.023 × 10^23 कण शामिल है। यदि CO2 में 3.0115 × 10^23 कण मौजूद है तो CO2 के अणुओं की संख्या, तो इसमें सॉल्व करोगे तो 0.5 इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है, तो गर्भाशय इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है, तो लंबाई इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट मनुष्य की आनुवंशिक का पता लगाया जा सकता है, तो अफ्रीकी मूल मनुष्य की आनुवंशिक का पता लगाया जा सकता है, अफ्रीकी मूल इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पल्स इसकी तरंगे तो कुछ समय, पल्स इसकी तरंगे तो कुछ समय इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है, तो एल्यूमिनियम इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं, तो काइटिन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 6 मीटर/सेकंड के वेग से गतिमान 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो 180 जूल इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सभी एसिड के लिए आम तत्व है, तो हाइड्रोजन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु 60 न्यूटन वजन की होती है, चंद्रमा की सतह पर इसका वजन कितना होगा, तो 10 न्यूटन इसमें हो जाएगा। तो जो धरती के वजन का पृथ्वी, जो चंद्रमा पर जो वजन होता है पृथ्वी के वजन का 1/16 होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर यही इसमें पूछता, उस पर पूछता कि यानी कि चंद्रमा पर जो वजन है 60 न्यूटन है और उसका जो वजन है पृथ्वी पर कितना होगा, तो 360 हो जाता उसमें, ठीक है। और अब उसमें पूछा गया है जो धरती पर वजन है वो 60 न्यूटन है और चंद्रमा पर पूछा गया है तो 10 न्यूटन इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है, इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.5 एम्पियर है, बल्ब कितने पावर का है, तो इसमें 110 वॉट आ जाएगा जब आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट पानी का क्वथनांक बिंदु है, तो 0°C इसमें आ जाएगा। ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं, तो एपिथेलियल इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, ASbI इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसमें इसका भी हम बात कर लेते हैं, जो AS है, AS क्या होता है, AS होता है आर्सेनिक, ठीक है जी, आर्सेनिक होता है, और Bi क्या होता है, बिस्मिथ, ठीक है, बिस्मिथ हो जाता है। अब ये जो आर्सेनिक होता है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 33, और बिस्मिथ का कितना होता है, बिस्मिथ का हो जाता है 83, ठीक है जी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉड और कौन पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं रॉड और कौन, आँख में। नेक्स्ट 1 अक्टूबर 2018 में 9 से 10:30 वाली जो शिफ्ट थी उसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो स्क्लेरेनकाई में इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्वों के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है, तो बर्जीलियस इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है, तो शोषण इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट जब बिजली के एक हीटर स्रोत से 4 एम्पियर का विद्युत प्रवाह होता है तो टर्मिनलों के बीच इसकी गतिज ऊर्जा, जो गतिज अंतर होता है तो 60V होता है, यदि गतिज अंतर 157.5 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है तो हीटर कितनी विद्युत प्रवाह खींचता है, तो 10.5 एम्पियर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर माइनस टू की SI इकाई कितनी होती है, उसके बाद इसमें डिस्क्रिपेंसी की वजह से इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया है रेलवे के द्वारा। नेक्स्ट एव्स में शामिल है, तो पक्षी इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान, तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान जो है वो 40 हो जाता है। नेक्स्ट अम्लिक के आधार पर कौन सा सही है, तो निष्प्रभावीकरण दर्शाता है, तो ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 30 तक के आप एटॉमिक जो परमाणु द्रव्यमान परमाणु संख्या वो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना।
30 तक की आप अच्छे से देख लीजिएगा, उसी में समझ जाएगा। और जो पीरियोडिक टेबल है उसको भी आप देख लीजिएगा, उससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अधातुओं में कौन सा चमकदार होता है? तो आयोडीन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट, एक द्रव्य जिसमें 49 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला गया है, द्रव्य की द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में संयोजकता की गणना करें, तो 13.28% इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, सही मिलान ज्ञात करें, तो सही मिलान आप देख लेते हैं। ठीक है, इसको ही मैं ले लेता हूँ इसको, और थोड़ा इसका जो कैपेसिटी कम कर लेते हैं, इस तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, सही मिलान ज्ञात करें, तो जो पहला है उसका हो जाएगा सेकंड। ठीक है, ए का सेकंड, बी का थर्ड, ओके, और सी का फर्स्ट। जिंक धातु का रंग होता है ग्रे, SO2 गैस की गंध होती है पंगेंट, PBIT का रंग होता है पीला। ठीक है जी, नेक्स्ट, ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, तो जो यांत्रिक ऊर्जा है उसमें दो प्रकार की ऊर्जा होती है, तो कौन कौन सी होती है? इसको पेन यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, गतिज ऊर्जा, ठीक है, कौन कौन सी होती है? एक हो जाती है इस यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है जी, ये हो गया। और EM, ठीक है, EM इक्वल्स टू हो जाता है EK प्लस EP। EM होता है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, जो यांत्रिक ऊर्जा है इसको इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ये किसके बराबर होते हैं? मैकेनिकल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इसके बराबर। और हमने फॉर्मूला आपको बता ही दिया था, वो अच्छे से बता दिया आपको, यानी कि EM यानी कि इसका जो फॉर्मूला हो जाता है तो हाफ MV² प्लस MgH, ये हो जाता है E के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट, एक सुचालक में 2 एम्पियर की विद्युत का प्रवाह होता है जिसके दोनों अंत 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा पर है, सुचालक की प्रतिरोधकता होगी, तो 2 ओम इसमें आ जाएगा। ठीक है, 2 ओम इसमें करेक्ट आ जाएगा जब आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट, मंदक है, तो मंदक है ऋणात्मक त्वरण इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था? तो डोबेरियन, न्यूरलैंड्स और मेंडलीव का इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंक दिया जाए तो उसमें अपने उच्चतम बिंदु तक पहुँचने में कितना समय लगेगा? और जी आपको लेना है 10 मीटर पर सेकंड, तो आप सॉल्व करोगे तो 2.5 सेकंड इसमें आ जाएगा। डेल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो परमाणु पदार्थों का अविभाजन कण इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इसमें आप देख सकते हो तो हमने 450 पेज कवर कर लिए हैं, और बाकी के जो बचे हुए 450 पेज 450 जो पेज रिमेनिंग है वो मैं कल कवर कर लूँगा, तो कल कवर कर दूँगा उनको मैं, तो कल इसका पार्ट मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, टोटल 900 पेज की ये PDF है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी, वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों जुड़ना चाहते हो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे राइट साइड में घंटी का निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फ़ायदा इसका यह होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। दोस्तों आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप डायरेक्ट देख सकते हो रेलवे ग्रुप डी के जो भी हमने अपलोड किए हुए हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो वो वीडियो यहाँ पे दी जाएगी। अभी तक टोटल हमने 15 वीडियो अपलोड कर दिए और ये जो अपलोड हो जाएगी 16 वीडियो अपलोड हो जाएगी टोटल। ठीक है जी,
और अगर सोशल साइट पर आप जुड़ना चाहते हो तो अबाउट पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे सोशल साइट पे भी जुड़ सकते हो। सोशल साइट का हमने लिंक भी दिए हुए हैं। टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो ER सचिन भाटी आप डाल के जुड़ सकते हो, और फेसबुक पे आप जुड़ना चाहते हो सरकारी बॉक्स डाल के फेसबुक पे भी जुड़ सकते हो। यहाँ पे मैं हमने डायरेक्ट लिंक भी दिए हुए ट्विटर का भी, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का। और दोस्तों जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे राइट साइड में घंटी का निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है जी। और दोस्तों कुछ दिनों, लगभग 5-6 दिनों में जितने भी रेलवे के अब बचे हुए हैं, बाकी की जो शिफ्टों के बचे हुए हैं, उनके भी क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। साइंस के क्वेश्चन और जो साइंस के क्वेश्चन आंसर हो वो भी मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा, MCQ अपलोड कर दूंगा। तो ये सब अभी बस थोड़ा PDF बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, तो उसके बाद उसको भी अपलोड कर दूंगा। मैंने काफ़ी शिफ्टों को अपलोड कर दिया है, ये 15 वीडियो अपलोड कर दिए और बाकी का जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। डेली आपके लिए वीडियो आती रहेंगी, रेलवे ग्रुप डी साइंस रिलेटेड डेली वीडियो आती रहेंगी और आगे आने वाले तो अगले 5 दिन में नहीं तो 10 दिन में तो मैं सभी को कंप्लीट कर ही दूंगा। प्रीवियस ईयर जितने भी शिफ्ट आई थी, जो 120 प्लस जो शिफ्ट थी, जो रेलवे ग्रुप डी जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें जो टोटल शिफ्ट थी 120 प्लस शिफ्ट थी, तो उसके सभी के मैं डिस्कस किए, 15 वीडियो अपलोड कर दिए और बाकी का भी 5-10 दिन में कवर कर दूंगा, बाकी का जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।